इन न्यूज रूम में आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रघुराम राजन और रोहित लाम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए उसके बाद आपने एक इंटरव्यू भी दिया राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में जाएंगे क्या मेरा कोई पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है में तो है पॉलिसी मैं चाहता हूँ कि वो डिबेट हो लोग ये नहीं कहते हैं कि आप देश द्रोही है इंक्लूसिव इंडिया डेमोक्रेटिक इंडिया नॉट एन इंडिया जो अधिनायकवादी इंडिया बने मेजोरिटेरियन इंडिया बने उसके अगेंस्ट uh, बिल्कुल जो भी पार्टी उससे सहमित है आई एम विलिंग टू टॉक टू दैट आपने एक जगह कहा था कि मेजोरिटेरियनिज्म का एक नुकसान ये है कि आप माइनॉरिटीज को सेकंड सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं <laughs> अगर मैं उस सवाल को जवाब दूंगा तो ट्रोलिंग फिर से शुरू होगी कांग्रेस एरा में जो भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है किसी किस्म का अपीजमेंट हुआ है हर पार्टी ने अपीज किया है ना नो पार्टी हैज ऑन अपीजमेंट राहुल गांधी से बातचीत में आप कह रहे थे कि अगले साल हम लकी होंगे अगर हम पाँच परसेंट भी अचीव कर लेते हैं हमने इस क्वार्टर में 7.6 पॉइंट सिक्स परसेंट अचीव किया लोगों ने बहुत सवाल पूछे आपसे ये तो ऑर्गेनाइज एफर्ट है आ, मैं तो देखता भी नहीं हूँ ये कमेंट्री को क्योंकि ये, ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज है इंडस्ट्रलिस्ट कुछ दो तीन चुन करके उनको क्रिटिसाइज किया जाता है गौतम अडानी और मुकेश अम्बानी का नाम उसमें ज़्यादा है और ये कहा जाता है कि ये दो लोगों को ही सरकार से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट क्यों देती है इनको सारे काम क्यों मिलते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में मिलता है क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है क्योंकि आप गवर्नमेंट से जुड़े हैं तब प्रॉब्लम है ना भारत सुपर पावर बनेगा या नहीं हम सुपर क्यों बनना चाहते मतलब क्यों, क्यों? बनना चाहते हैं उससे क्या करेंगे हम और देशों को आ, आ, मारेंगे और इंसल्ट करेंगे 1991 में एलपीजी आया उस दौर में वो जो घटना थी उसको आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं ये जैसे आप बना रहे हैं उस वक्त गवर्नमेंट का व्यू होगा कि नलनटॉप दिस इज फ्रिवलस इट इज फॉर द आम आदमी इट इज जस्ट टू एंटरटेन देम वी डोंट नीड दैट दूरदर्शन सिर्फ दूरदर्शन अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह भी नई पेंशन स्कीम के पक्ष में थे रिफॉर्म्स के पक्ष में थे कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में और राजस्थान में ओपीएस दिया मैं तो नई पेंशन स्कीम के पक्ष में हूँ जिनके पास सरकारी नौकरी है मोस्ट नीडी नोट पर साइन करके कैसा लगता है? वो नो, नोटबंदी के साथ काफी चले गए ना <laughs> आजकल <laughs> मैं कहीं जा रहा था तो एक आदमी से मिला तो वो आइडेंटि uh, मांगा मेरे पास कार्ड नहीं था uh, पॉकेट में तो मैंने नोट निकाला और कहा कि ये मेरा सिग्नेचर है <laughs> आपने कहा था कि अलायंस वाली गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे रिफॉर्म्स कर सकती है जो मौजूदा सरकार है उसके बारे में कहता है कि वो कड़े फैसले ले सकती है मैं बिलीव करता हूँ एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट विच इज डेमोक्रेटिक एंड कंसल्ट ये जो किसान लॉस थे हमने देखा कि ऑपोजिशन uh, काफ़ी ज़्यादा बड़ी डिमोनेटाइजेशन आपको पहली बार कब पता चला कि ये गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन लाने है वाली है। एक नोट हमसे मांगा गया था कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं लेकिन आपका नोट बाद में मिला नहीं मतलब मिनिस्ट्री में में भी गया, में भी पार्लियामेंट ये क्वेश्चन गायब हो गया आपका नोट मेरे पास नोट है किसी बच्चे से कहा जाए कि एक अर्थशास्त्री का स्केच बनाओ तो वो एक धीर गंभीर चेहरा बनाएगा शायद एक मोटा चश्मा लगा दे उस चे, उस चेहरे को माथे पर शायद कुछ लकीरें खींच दे पर मेक श्योर sure करेगा कि उस चेहरे पर कोई गलती से भी मुस्कान ना आ जाए कोई स्माइल ना आ जाए इकोनॉमिक्स से और इकोनॉमिट से एक तरह की दूरी एक तरह का डर एक तरह का भय हमारे समाज में रहा है वो चाहे भाषा के जार्गन की वजह से हो या कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स की वजह से पर इकोनॉमिस्ट्स अपने आकलन अपने असेसमेंट अपने गणित के अलावा भी बहुत कुछ होते हैं तो उन पहलुओं पर आज बात करेंगे और अर्थशास्त्र पर भी बात करेंगे क्योंकि नेशन बिल्डिंग के सबसे मज़बूत सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स में से स्तंभों में से एक है अर्थशास्त्र मेरा नाम कुलदीप है और दिल्लन टॉप के गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के सातवें मुख्य अर्थशास्त्री रहे और देश के सबसे नामचीन अर्थशास्त्रियों में से एक डॉक्टर रघुराम राजन और उनके साथ ही हैं पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रोहित लांबाजी था। 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 रोहित मैं आपसे शुरू करूँगा एक किताब है पीछे रखी हुई है अंग्रेजी और हिंदी हिंदी अनुवाद भी उसका रखा हुआ है आप दोनों ने मिलकर ये किताब लिखी है ब्रेकिंग द मोल्ड भारत के आर्थिक भविष्य की पुनर्कल्पना री इमेजिनिंग भारत का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है थोड़ा बताइए कि ये किताब किस बारे में है क्या ये आर्ग्यू करती है क्योंकि इसमें जिक्र है कि भारत अब पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तीसरी बनने वाला है बट कुछ चैलेंजेस भी आपने गिनाए हैं हाँ ये एक बहुत ही खुशी का इशू है कि सब्जेक्ट you know, है कि भारत दुनिया की सबसे पांचवी सबसे बड़ी अर्थशास्त्र बन गया है अब इकोनॉमी बन गया है लेकिन हम इस किताब में ये तथ्य रख रहे हैं कि भारत अपने आप को किस तरह देखता है अगले 20 सालों में एक 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 संदर्भ रखा गया है कि दो जब हम सौ साल पूरे करेंगे आज़ादी के भारत क्या एक मध्यवर्गीय देश इकॉनमी बन सकता है क्या कि अभी हम ढाई तीन हज़ार डॉलर पर कैपिटल इनकम पे है हमारा एक एस्पिरेशन होना चाहिए कि हम एटलीस्ट कुछ नहीं तो चाइना के स्तर पे पहुँचें जो अभी साढ़े बारह हज़ार तेरह हज़ार डॉलर की पर कैपिटल इनकम पे है और हमें ऐसा लगता है कि जो अभी जो करंट पाथ है भारत का वो आइडियल नहीं है और हम ये पक्ष रखते हैं कि तीनों जो कॉम्बिनेशनज हैं पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स और सोसाइटी यू नो इनको एक ऐसे ढांचे में पिरोना चाहिए एक ऐसे मॉडल में डालना चाहिए जो इंडिया को एक सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दे कि वी कैन वी कैन अचीव दिस दिस हाई ग्रोथ पाथ और इसके पक्ष में हमने काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं कि मूलन तौर पर सबसे इम्पोर्टेंटली हमने ये बोला है कि जो डेमोक्रेसी है इंडिया में जो जो, जो प्रजातंत्र है ये वीकनेस के तौर पे नहीं देखना चाहिए एक ये थोड़ा सा एक लेज़ीनेस आ गई है थिंकिंग में जो हम देख रहे हैं कि यू you नो know, क्या डेमोक्रेसी uh, की वजह से इंडिया पीछे रह गया जिसको हम थोड़ा चाइना फैटिश भी बोलते हैं किताब के अंदर कि क्या हम थोड़े अथॉरिटेरियन होते और हम मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा अच्छे से कर पाते तो क्या हम कोरिया और चाइना की तरह यू uh, नो you know, और समृद्ध हो सकते थे ये हम इस तथ्य को हम चैलेंज करते हैं कि कि जो हो गया वो हो गया यू नो यू कैन हैव मॉरल यू नो आर्ग्यूमेंट्स अबाउट वेदर यू नो डेमोक्रेसी का क्या महत्व है क्या महत्व नहीं है लेकिन आगे देखते हुए भविष्य में देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी एक भारत का एक स्ट्रेंथ है और इसके बारे में हम काफ़ी सारे उदाहरण देते हैं और जो भारत का ग्रोथ पाथ है जो एक स्टैंडर्ड जो एक मॉडल है वो क्या होता है कि आप देखें यूएस और यूके के टाइम से लास्ट दो तीन हंड्रेड सा, साल साल में इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक स्टैंडर्ड मॉडल था कि जो आप एक एग्रीकल्चर सरप्लस इकोनॉमी से लेके आप एक लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनते हैं और उसके बाद एक हाई स्किल सर्विसज आप करते हैं चाइना ने यही मॉडल फॉलो किया चाइना और कोरिया में एक यू you नो know, बहुत अद्भुत चीज़ ये हुई कि उन्होंने जो अमेरिका और इंग्लैंड ने 200 साल में किया उन्होंने 40 साल में कर दिया इन टर्म्स ऑफ पुलिंग पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी अप उनके देश में और एग्रीकल्चर uh, सरप्लस को लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग लगाने में भारत दो विषयों में अभिशाप रहा एक्सेप्शन uh, uh, रहा कि पहला कि वो एक पुअर और कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी रहा इट्स एन कम्प्लीट आउटलायर कि वो गरीब होने के बावजूद एक डेमोक्रेसी रहा और कंसिस्टेंटली एक डेमोक्रेसी रहा और दूसरा कि वो सब एग्रीकल्चर बीइंग द मोस्ट इम्पॉटेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द इकोनॉमी से लेके हाई स्किल सर्विसेज पे जंप कर गया जो एक स्टैंडर्ड जो एक पाथ होता है कि आप पहले एग्रीकल्चर से लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग पे जाएं खिलौने बनाएं छोटे छोटे फ़ोन बनाएं बास्केट्स बनाएं हाई स्किल का मतलब क्या है हाई स्किल का मतलब कि आप भारत में स्पेशली नब्बे के दशक में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट था इकॉनोमी का जो सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा था जो सबसे ज़्यादा नौकरियाँ हाई वैल्यू ऐड नौकरियाँ जनरेट कर रहा था वो आईटी सर्विसेज बन गया आप देखेंगे कि कभी भी ना वो एक कंसल्टिंग बन गया फाइनेंस बन गया तो आज की तारीख में दुनिया भर के बैंक एक्चुअली अपना सबसे बड़ा सेकेंड सबसे गोल्डमैन सैक्स और जे पी का सेकेंड सबसे बड़ा ऑफिस अमेरिका के बाहर इंडिया में है हम गरीब देश होने के बावजूद हाई टेक सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंफोसिस, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज जहां हमारे इतने सारे नौजवान काम करते हैं ये एक एक्सेप्शन है दुनिया की दो दो सौ एटलीस्ट लास्ट दो सौ साल की हिस्ट्री में कि आप एक एग्रीकल्चरल प्रोमिनंट नेशन से विदाउट मैन्युफैक्चरिंग हमने मैन्युफैक्चरिंग की ऐसा नहीं भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है बट वो सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ की इकोनॉमी का सबसे बड़ा भाग क्या है मूल्यांकन hmm. के तौर पर और एम्प्लॉयमेंट के तौर पर भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहा और हाई स्किल सर्विसेज जो आप लोग कर रहे हैं ये भी एक हाई स्किल सर्विस है आप एक एक मीडिया एक, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जो देश के विकास में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये भारत में एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया और एक गुरुचरण दास की एक बहुत फेमस लाइन है कि इंडिया ग्रोज एट द नाइट यू uh, नो you know, वो बोलने की एक कोशिश कर रहे हैं कि दिन में सरकार जगी होती है तो वो आपको वो आपको uh, समृद्ध होने नहीं देती है इतने सारे उन्होंने रोड़े डाल रखे हैं कि कि भारत इतना ज़्यादा ग्रोथ कर ही नहीं पा रहा था तो औ, औ, और ये बहुत इवोकेटिव भी था क्योंकि उस समय कॉल सेंटर रेवोल्यूशन चल रहा था जब उन्होंने वो लिखा था और सब लोग रात को बहुत काम कर रहे थे तो इंडिया ग्रोज इन द नाइट uh, क्योंकि सर्विसज जो है वो अब बाई द वे ही मतलब हमने इतना प्लान ही नहीं किया इकोनॉमी में जो भी आ, एनिमल स्पिरिट्स एक इकोनमिस्ट बोलते हैं कि अपने आप लोगों की क्षमताओं के अनुसार भारत बढ़ा भारत में इंजीनियर्स थे भारत में अंग्रेजी भाषा थी आ, ग्लोबल डिमांड इन चीज़ों की बढ़ रही थी लेबर चीप था उ, 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 उस विषयों में हुँ. भारत में एक नेचुरल एडवांटेज नहीं था लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं कर पाए थे हमारी सड़कें हमारे पोर्ट्स कंसिस्टेंट बिजली जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चाहिए होती है हमारे पास नहीं थी तो हम सर्विसेज में बहुत आगे चले गए हम ये किताब में तथ्य रख रहे हैं कि अब इस इस स्टेज पे आके चीज़ों को वापस मोड़ना एक गलती होगी बोथ पॉलिटिकल uh, इंस्टीट्यूशन के uh, के मद्देनज़र और इकॉनमी uh, कैसे चलानी है इसके मद्देनज़र जो हम बोल रहे हैं कि एक जो थोड़ा चाइना फेटिश है कि थोड़ा सा हमें थोड़ा सा थोड़ा सा और अथॉरिटेरियन हो जाते हैं क्योंकि उससे उससे हमें इकोनॉमिक uh, एडवांटेज मिल जाएगा कि हम शायद मैन्युफैक्चरिंग बेटर कर पाएंगे ये एक सोच डेवलप हो रही है ठीक है डॉक्टर uh, रघुराम राजन मैं मुझे ये सारे सवाल आपसे भी पूछने हैं और चाइना फिटिश की बात इन्होंने की मैन्युफैक्चरिंग uh, सेक्टर पे आपने काफ़ी कुछ कहा है उसमें एक मेक इन इंडिया क्लेम करती है गवर्नमेंट उस पर भी मुझे सवाल पूछना है लेकिन पहले बचपन से शुरू करते हैं आपके मैंने कहा कि इकोनॉमिस्ट के चेहरे पर मुस्कान आमतौर पर लोग इमेजिन नहीं करते हैं ठीक है अब आप, आप देख रहे आप हैं अभी मुझे देख रहे हैं है। <laughs> पर अब थोड़ा बचपन के बारे में बताइए रघुराम राजन जब छोटे थे आप डीपीएस आर के पुरम से पढ़े हाँ मैं डीपीएस आर के पुरम में पढ़ा था पढ़े हैं तो आ, मतलब आपका पर्सनैलिटी कैसा था बचपन में आम बच्चों की तरह शरारतें करते आप स्टूडियस थे हमें मालूम है अच्छा शरारते भी करता था पिटाई भी पड़ी अच्छा पिताजी से दोनों से ज्यादातर माताजी से, लेकिन क्या हम गली क्रिकेट थे, गली खेलते थे गली हॉकी खेलते थे साइकिल पे चलते थे पहला साइकिल मेरा एक एटलस था दूसरा आ, हीरो और तीसरा एवान एवान मेरे ख्याल में अब बंद हो गया लेकिन तब साइकिल था आ, तो बहुत मजा है हम मोती बाग में रहते थे हुँ. और मोती बाग एक गवर्नमेंट कॉलोनी है तो सब बच्चे उनके पिताजी गवर्नमेंट में काम करते थे ज़्यादातर पिताजी और बहुत मजा आया आपके पिताजी आईपीएस रहे आईपीएस रहे पी और रॉ में रहे वो रॉ चीफ भी बने लेकिन लंबे समय तक आपको लगता रहा कि वो शायद डिप्लोमेट हैं रॉ चीफ नहीं बने वो चीफ चेयरमैन ऑफ द इंटेलिजेंस चीफ्स बने अच्छा लेकिन साल की आ, ये आ, ये जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उनके ऊपर जो जो पद है वो चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ इंटेलिजेंस है तो वो बने आ, उनको पुलिस मेडल मिला मेरिटोरियल सर्विस डिस्टिंग्विश सर्विस काफ़ी डिस्टिंग्विश करियर थे आईपीएस में फर्स्ट आए जब बीस साल के थे तो आ, नहीं ऐसा होता था कि वो मतलब आपको ये लगता था कि डिप्लोमेट हैं बट एक्चुअली बाद में पता चला कि नहीं उस दिन तो पिताजी तो मिशन पे गए थे हम बाहर थे नो और हम बच्चे थे तो उन्होंने हमें बताया नहीं कि हम क्या गुप, 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 गुप्त 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 चार गुप्त गुप्त चार हैं और इसलिए बच्चे को क्यों बोलें तो हम सोचते थे कि डिप्लोमेट हैं फिर वापस इंडिया आए बारह साल के थे तो हमें मालूम पड़ा कि ये कभी डिप्लोमेट नहीं थे और और स्पाई थे तो तब हम क्या इन फ्लेमिंग के जेम्स बॉन्ड ये वगैरह पढ़ रहे थे अच्छा। तो हमने पूछा कि स्पाइंग ऐसा होता है कहा नहीं <laughs> ऐसा नहीं होता है वो आ, फास्ट गाड़ी और औरतें बिल्कुल नहीं हैं <laughs> ये तो ब्यूरोसी जैसा है जी uh, जो जो बड़े इकोनॉमिक हैपनिंग्स हैं इंडिया के उन पर भी मैं आपसे छोटे छोटे कमेंट्स चाहता हूँ जैसे कि 1991 में पीवी नरसिम्हा की सरकार के समय एलपीजी आया लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन भारत की जो ग्रोथ जर्नी है उस दौर में वो जो घटना थी उसको आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने आ, उससे पहले तो लाइसेंस परमिट राज थी जी जिसमें सरकार कहती थी कि आप इसमें जाओ इसके लिए सब्सिडी मिलेगा उसमें टैरिफ लगाएंगे इस पर ये करेंगे उस पर वो करेंगे आ, ये जो आ, मिस्टर नारायण मूर्ति हैं वो बताते हैं कि जब उन्होंने शुरू किया तो उनको दिल्ली जाना पड़ा कि हमें इतने कंप्यूटर्स चाहिए क्यों चाहिए क्या करोगे कंप्यूटर के साथ क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं कितना टैरिफ लगेगा और ये नो ये, हमारा ये जो इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर का ये जो रोहित जी ने कहा कि इंडिया वर्क्स एट नाइट वो रात को ही शुरू हुआ क्योंकि वो आई टू के लिए काम कर रहे थे सॉफ्टवेयर बना रहे थे लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिली इनको क्योंकि गवर्नमेंट सोचती थी कि सॉफ्टवेयर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट हार्डवेयर इज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बनाने में ज़्यादा वैल्यू है हम सेवाएँ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखेंगे और आपको मालूम है कि हम किस इंडस्ट्री में सफल हुए सॉफ्टवेयर में सफल हुए hmm. क्योंकि लोग आ, आ, उनका आ, उनका दिमाग उनका ह्यूमन कैपिटल उसमें चला और हमारे जो इंफोसिस है विप्रो है दे वर वेरी सक्सेसफुल सो हमें ये सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट को कितना अथॉरिटी दें कि यू शुड चूज़ दिस इंडस्ट्री और यू शुड चूज़ दिस दैट इंडस्ट्री ये जो uh, 1991 में हुआ दैट वॉज लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट नहीं बताएगी कि आपको इसमें जाना है उसमें जाना है आप इतना करेंगे तो बंद करना है गवर्नमेंट वॉज आउट गेटिंग आउट ऑफ द वे दैट वॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग सो दैट पीपल कुड डू वॉट देवर बेस्ट एट आप ये इंडिया के जो uh, उत्साह है, एक्साइटमेंट जो uh, लोगों में है उसको कैप्चर कर रहे थे और ये जैसे आप बना रहे हैं उस वक्त गवर्नमेंट uh, का व्यू होगा कि ललन टॉप दिस इज़ फ्रिविलस इट इज़ फॉर द आम आदमी इट इज़ जस्ट टू एंटरटेन देम वी डोंट नीड दैट दूरदर्शन सिर्फ दूरदर्शन हम इतने बोर हो गए दूरदर्शन देख के बिकॉज़ यू नो इट वॉज इन डीलिंग विद द पब्लिक एंड वॉट द पब्लिक वॉन्टेड एंड देन वी हैड द लिबरलाइजेशन एंड द एक्सप्लोशन ऑफ मीडिया इतने सारे लोग मीडिया में आए बिकॉज वी हैड सो मच ऑल्टरनेटिव दैट इज द एनर्जी वी नीड टू कैप्चर इन दिस कंट्री द फर्स्ट टाइम दैट ठीक है एक सवाल इसमें मैं पर्सनल चीजों पे पर फिर से आऊँगा बट सिंस आपने जिक्र कर दिया आ, ये जो पॉलिटिकल जमात है जब ये क्रिटिसाइज करती है किसी एक पार्टी को तो अभी एक ट्रेंड है जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ दो तीन चुन करके उनको क्रिटिसाइज किया जाता है गौतम uh, अडानी और मुकेश अम्बानी का नाम उसमें ज़्यादा है और ये कहा जाता है कि ये दो लोगों को ही सरकार ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों देती है इनको सारे काम क्यों मिलते हैं क्या ये जो क्रिटिसिज्म है uh, ये जो अमेरिका जिस थ्योरी पर जिस प्रिंसिपल पे चल के आगे uh, सुपर पावर बना एक इंडिविजुअल की मनी मेकिंग कैपेसिटी कितनी है उसको बढ़ावा दिया जाए उसको क्या ये उसको हैम्पर नहीं करता है इस तरह का क्रिटिसिज्म कि हम हमारे यहाँ के सबसे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको क्रिटिसाइज़ करें कि इनको ही सारा काम क्यों मिल मिलना नहीं अगर लेवल प्लेइंग फील्ड है तो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए अगर कॉन्ट्रैक्ट कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में मिलता है क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है क्योंकि आप गवर्नमेंट से जुड़े हैं तब प्रॉब्लम है ना तब कई इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा मिलता है और बाकियों को नहीं मिलता है तो जब अमेरिका बढ़ती है इसलिए बढ़ती है क्योंकि काफ़ी कंपटीशन है अमेरिका में हमें कंपटीशन को बढ़ाना है इस देश में और ये नहीं कि एक या दो इंडस्ट्रियलिस्ट काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में हैं और इन्फ्लुएंस के साथ उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो हमें देखना चाहिए केस बाय केस ये कॉन्ट्रैक्ट और सफलता इसमें Uh, uh, सरकार के साथ uh, 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 अच्छे संबंध किन अच्छी संबंध इज इट बिकॉज ऑफ योर अप्रोक्सीमेटली टू द गवर्नमेंट दैट यू आर सक्सेसफुल और इज इट बिकॉज यू आर रियली केपेबल और द प्रॉब्लम इज मेनी ऑफ आर इंडस्ट्रीज हु आर क्लोज टू द गवर्नमेंट आल्सो वेरी केपेबल वो काफ़ी होशियार हैं वो काफ़ी uh, उनका क्षमता काफ़ी अधिक है तो दे आर सक्सेसफुल <laughs> But they also successful because they suppress the competition. That other side we should stop. If you are successful because you take risks, रिस्क आप कैपिटल uh, डालते हैं बिजनेस में कि आप स्केल बनाते हैं बिजनेस में आप बड़े स्केल से बिजनेस बनाते हैं तो यू शुड बी रिवॉर्डेड So जो पहले था मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट वो गलत था hmm. क्योंकि वो दैट इन गिव रूम फॉर इंडस्ट्रियल टू एक्सपैंड

आई आई में इलेक्शन तो पार्टी के बेसिस पे नहीं होता हाँ इंडिविजुअल बेसिस पे होती है और मैं पहले वो जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस में इंग्लिश डिपेटिंग सोसाइटी का सेक्रेटरी बना फिर उसके बाद वो जनरल सेक्रेटरी बना वो स्टूडेंट्स अफेयर्स काउंसिल उस पर हमें हमने हड़ताल भी किया अगेंस्ट द इंस्टीट्यूट अथॉरिटीज़ क्योंकि पीएचडी डी लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था तो एक दिन के लिए आई बंद किया नॉट माय प्राउडस्ट मोमेंट बट आई वाज वॉज इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एट दैट टाइम और फॉर्चुनेटली आई गॉट आउट ऑफ इट आल्सो आपको लगता है वैसे कि प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट है मतलब सिंस हाँ. मतलब एक एक इकोनॉमिक से मैं ये इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वो कई बार हैम्पर करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में किया एक प्रोटेस्ट yeah. अब अब आप क्या सोचते हैं इसका टू प्रोटेस्ट बी प्रोटेक्टेड यू शुड हैव द फ्रीडम क्यों क्यों क्योंकि जो लोग साइंटिफिक डिस्कवरीज करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो पहले के जो डिस्कवर uh, हैं वो गलत हैं उन, उनके आइडियाज गलत हैं फॉर दैट यू शुड द कैपेसिटी टू से i can be free to protest and not be thrown out of my institution. i can be free to protest and my place will be protected. easily, america may use a tenure system. easily, you should feel free to reject even your teachers and say they are wrong. i can see further because i can stand on their shoulders. but i should have the ability to do that. otherwise, we won't move forward. Now, जगह बना रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए वही जगह पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के लिए भी यूज हो सकता है और कभी कभी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अच्छा है बिकॉज दैट चेंज द इन्वायरमेंट ये जो रेसिजम के अगेंस्ट ये सिविल राइट प्रोटेस्ट थे इन इन द यू एस दे चेंज सोसाइटी फॉर द गुड क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो काफ़ी ब्लैक पॉपुलेशन के लोग थे हैव कम एज अ रिजल्ट सो पोलिटिकल प्रोटेस्ट ऑल्सो शुड बी एंकरेज नॉन वायलेंस इज इम्पोर्टेंट वो गांधी जी ने बताया था आई थिंक दैट इज ट्रू अक्रॉस द बोर्ड सेकेंड यू हैव टू ट्राई एंड मेक इट कंस्ट्रक्टिव इट नी इट्स नेवर गु बी फुली कंस्ट्रक्टिव सम प्रोटेस्ट आर आई जस्ट डोंट लाइक द सिचुएशन आई वॉन्ट इड टू चे कभी कभी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं uh, uh, अध्यापक ने बहुत ज़्यादा काम दिया वी डोंट लाइक टू वर्क

राहुल गांधी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से वो अपलोड हुआ ये सवाल आपके सामने बार बार आता हुआ कि पॉलिटिक्स में जाएंगे क्या आगे मतलब कई लोग इसमें एक चीज जोड़ दूँ कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि क्या रघुराम राजन राहुल गांधी के लिए वो हैं जो सैम पित्रोदा थे राजीव गांधी के लिए नहीं मेरा कोई पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिसीज में तो है पॉलिसीज में है और मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया द राइट पॉलिसीज कि वी कैन हमारे उत्पादन की गति बढ़े और हम विकसित देश बने बाय ट्वेंटी फोर्टी सेवन आई एम फुली ऑन दैट हाउ डू वी डू इट सो थिंकिंग अबाउट द वे द बुक वी रोट जो हमने अभी किताब uh, लिखी है तो दैट इज़ ट्राइंग टू टॉक टू द पब्लिक आ, ये सरल भाषा में हमने लिखा है ये सिर्फ आ, जो आ, सिर्फ पढ़ते हैं <laughs> उनके लिए नहीं है ये आम आदमी के लिए है कि हियर इज़ द वे ये हमारे बल हैं ये हमारे कमज़ोरियाँ हैं इनको कैसे ठीक करें कैसे आगे बढ़ें सो so, हमने एक प्लान दिया है और हम ये चाहते हैं कि लोग उस प्लान को डिस्कस करें और कहते हैं कि हाँ ठीक है हम इससे सहमत हैं ये हम मानते नहीं हैं इसको बदलना है तो वी हैव अ डायलॉग एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड मैं तो अल्टीमेटली एक एकेडमिक हूँ मैं चाहता हूँ कि वो डिबेट हो लोग ये नहीं कहते हैं कि आप देशद्रोही हैं आप क्योंकि आप सजेस्ट कर रहे हैं कुछ जो सरकार कह रही है उसके Uh, अलग प्लान आप सजेस्ट कर रहे हैं इसलिए आप uh, गलत रास्ते पे हमें ले जाना चाहते हैं मैं चाहता हूं कि हम वो डिबेट करें और फिर हम यू नो लॉट्स ऑफ इंटेलिजेंट पीपल इन दिस कंट्री दे डिसाइड हाउ वी गो बट आई वांट दैट डिबेट वी शुन किल डिबेट डू यू हैव अ फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी मतलब ये सवाल शायद भारत जोड़ो यात्रा से पहले आपसे नहीं पूछा जाता पर अब पूछा जाए मैं मैं ये चाहता हूँ कि एक जो आइडिया ऑफ इंडिया है एज एन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी मैं चाहता हूं कि वो मेंटेन हो जाए कि उसको कंटिन्यू करें जो भी पार्टी उससे सहमित है आई एम विलिंग टू टॉक टू दैम इंक्लूसिव इंडिया डेमोक्रेटिक इंडिया नॉट एन इंडिया जो अधिनायकवादी इंडिया बने या जो आ, इंडिया पर है उसके अगेंस्ट मैं बिल्कुल हूँ आपने एक जगह कहा था कि मेजॉरिटेरिज़म का एक नुकसान ये है कि आप माइनॉरिटीज़ को सेकंड सिटीजनस की तरह ट्रीट करते हैं देखिए अगर मैं उस उस सवाल को जवाब दूँगा तो ये जो आ, ट्रोलिंग फिर से शुरू होगी तो मैं ये कहूँगा कि हमें हर माइनॉरिटी को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए एज इक्वल सिटीजन ऑफ इंडिया ओके एवरीबडी इज़ एन इक्वल सिटीजन मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनको अपीज़ करना है उनको अपीज़ करना है मैं ये कहता हूँ कि इक्वालिटी इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड वी शुड एनफोर्स दैट ये नहीं कि अगर प्रोटेस्ट हुआ तो इनको ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा दोज पीपल विल बी विल एस्केप्स गॉट फ्री दैट इज एन अनिकवल इंडिया एंड आई थिंक दैट विल क्रिएट नैशनल इनसिक्योरिटी विल हॉल्ट आर ग्रोथ एंड विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द फ्यूचर ठीक है पॉलिटिक्स का चैप्टर अभी खत्म करेंगे एक दो चीजें और हैं बस सिंस <laughs> आपने ये मैंशन किया आपको लगता है कभी कांग्रेस एरामे जो भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है किसी किस्म का अपीजमेंट हुआ है उस टाइम आपने कभी फील किया हर पार्टी ने अपीज किया है ना दिस नो पार्टी विच ए मोनोपली ऑन अपीजमेंट But also some parties have stood for uh, national uh, integration. My um, example, they thought, you know, uh, Indira Gandhi, uh, you know, created the emergency. I went through that emergency. I was a small boy, and that was a terrible time. Uh, you know, when Dev said, "India is Indira and Indira is India." I think that was a low. We, we should not be that kind of country where one person becomes the face of the country and everybody is kowtowing to that person. that was a bad period. we should not go there again. but there was one thing that indira gandhi did which i thought was, i mean, there are so many things she did, uh, 1971 war, etc. but one important thing on this, jammu uh, uh, golden temple ke against uh, attack hua operation Her, blue star. Operation blue star तो उनका आ, जो सिक्योरिटी चीफ था आर एन काओ उन्होंने इंदिरा गांधी को बताया कि ये जो आपके सिख गार्ड्स हैं इनको दूर कर दो क्योंकि यू नो देर लॉयल्टी कैन नॉट बी कैन नॉट बी अशोर्ड, एंड शी रिप्लाइड द डे आई डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट रिलीजन दैट बी द एंड ऑफ माय विजन ऑफ इंडिया बट 1984 में उसके बाद राइट्स हुए उनका असासिनेशन भी हुआ ना उन्हीं सिक गार्ड से तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट यू नो दैट विजन ऑफ इंडिया आई मीन व्हाट आई एम सेइंग इज़ दिस गुड एंड बैड इन एवरीवन बट आल्सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव दैट विजन ऑफ इंडिया व्हिच इज़ इंक्लूसिव एंड दैट विजन वट एवर पार्टी सब्सक्राइब टू दैट विजन दैट एवरीबडी हैज़ अ प्लेस इन इंडिया मैन वुमन चाइल्ड हिंदू मुस्लिम सिख सब सबके लिए जगह है दैट इज़ वॉट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान ठीक है uh, आपने एक बार कहा कि आप पॉलिटिक्स में जाने से इसलिए भी थोड़ा श्योर नहीं है क्योंकि आपकी वाइफ को पसंद नहीं है हाँ है बिल्कुल तो <laughs> <laughs> उन्होंने बार बार ये कहा कि नहीं बात और एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ और उस पर आपका रिएक्शन क्या आता है और आपकी पत्नी का रिएक्शन क्या आता है बीबीसी uh, ने आर्टिकल लिखा कि रॉकस्टार बैंकर ऑफ इंडिया रघुराम राजन एक और अखबार है उसने लिखा कि हैंडसम इंटेलिजेंट और वो आपके लुक्स पर बहुत टिप्पणियां होती हैं आई एम श्योर आप अब अब मैं बूढ़ा हो गया ना <laughs> लुक्स तो चले गए पर स्टिल हैंडसम मैं कह रहा कि इस पे sir. आप मतलब uh, आप कैसे रिएक्ट करते हैं यू नो और नहीं परिवार कैसे रिएक्ट करता है मेरी uh, um, मैं बेटी को पसंद नहीं है <laughs> वो तो कहती है पिताजी ये क्या लिख रहे हैं लोग आपके बारे में क्योंकि वो सोचती है कि मैं पिताजी हूं नॉट अ रॉक स्टार इन एनी वे बट आई दीज आर जस्ट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट वॉट इज इम्पोर्टेंट इज इज पॉलिसीज तो आई वॉज वर इड वेन आई बिकेम केम आर बी अ गवर्नर द फोकस वुड बी ऑन दैट दैन ऑन द फैक्ट दैट वी व रियली ट्राइंग टू ब्रिंग द इकोनमी आपको याद होगा कि एन आई एम पी के एम गवर्नर वी वर जस्ट कमिंग आउट ऑफ दट टेपर टैंटरम और रिज़र्वस को बढ़ाना था इन्फ्लेशन को कम करना था यू नो उस टाइम इन्फ्लेशन बहुत था और ग्रोथ रेट हाँ थी। ग्रोथ रेट कम थी और ये जो हमारे रिजर्वस भी कम हो गए थे और uh, 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 हम वो फ्रेजाइल फाइव में थे यू नो वेस्ट में लिखते थे कि पांच इकोनॉमीज़ uh, हैं जो बहुत ही कमज़ोर हैं उसमें से इंडिया है तो वहाँ से निकलना था हमें और मैंने ये सोचा कि हमें uh, नीतियों के, uh, के, uh, uh, के, के सपोर्ट से हमें बाहर आना चाहिए और हम अनाउंस करेंगे ये हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे पहले दिन में हमने दस पंद्रह पॉलिसीज़ अनाउंस किए और उसके बाद हर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया और कॉन्फिडेंस बढ़ गया इकॉनमी में उसके कारण तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें थोड़ा डिस्ट्रैक्शन था ये जो लुक्स वगैरह मेन थिंग ये था कि हम पॉलिसीज़ अच्छे बनाएं और उनको इम्प्लीमेंट करें और ये जो किताब में हम लिखते हैं बार बार India's weakness is implementation. इम्प्लीमेंटेशन uh, हम uh, हमारा सोच काफ़ी अच्छा है यूजली बट हाउ डू वी इम्प्लीमेंट इट दैट इज़ रियली इंपोर्ट ठीक है policy part पर आते हैं रोहित और जैसे आप दोनों साथ मिलके किताब लिखते हैं और ये बताइए अब दोनों economists हैं एक एक line पर agreement रहता है कि कुछ थोड़े से differences तो होते होंगे नहीं नहीं बहुत आ, आ, क्योंकि तो पीएलआई पे, ली पे पर... जो मैं आपसे पूछूंगा क्या इस सर का जवाब भी वही होगा हाँ ये ये एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जर्नी रहती है पर्सनली uh, भी मेरे लिए भी और कलेक्टिवली हम दोनों के लिए भी क्योंकि uh, मैंने uh, इनको एक आदर्श के रूप में देखा पहले मैं इनके लिए जब काम किया यू you नो know, और आदर्श के रूप से फिर आप जब किसी अपने आदर्श को जानने लगते हैं तो एक अलग ही रिलेशनशिप बन जाती है कि यू you नो know, एक मैंटर और मैंटी से फिर कोऑथर बन जाते हैं फिर एक फिर किताब लिखते हैं तो तो मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी इस किताब को लिखने के लिए कि कि आइडियाज़ के लेवल पे रघु ने मुझको हमेशा स्पेस दिया एज़ एन इक्वल और बहुत बार ऐसा हुआ एक्चुअली कि शुरू शुरू में मैं हिचकिरा रहा था जब हमने पहले टाइम्स ऑफ़ इंडिया में आर्टिकल लिखना शुरू किया कि फिर एक दो बार उन्होंने मुझे डांट दिया कि मुझे लग रहा है कि तुम हिचकिचा रहे हो कि हम इसलिए ये नहीं लिख रहे हैं क्योंकि तुम हिंच के चाहो कि दिस इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस तो फिर धीरे धीरे करके हम एक डेफिनेटली एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए कि हम खुले से एक दूसरे से डिसग्री करते थे और फिर अब मुझे याद नहीं है कि अब कि वो एक इटरेटिव प्रोसेस होता है कि इन्होंने कोई लाइन लिखी मैंने उसको एडिट की फिर उन्होंने एडिट किया ऐसे करके तो तो डेफिनेटली दे वॉज रूम फॉर डिसअग्रीमेंट बिटवीन द बोथ ऑफ अस और बट uh, जो फाइनल प्रोडक्ट हमने यू uh, you know, नो दिखाया वो uh, उस पर अग्रीमेंट है डी एल आई पे थोड़ा बात करते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है ना सरकार जो है uh, कुछ अलग अलग सेक्टर्स को पैसा और रिसोर्स देती है गवर्नमेंट का ये क्लेम है इसकी वजह से मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट बढ़ा है और आप लोग इसको दोनों लोग रिफ्यूट करते हैं कैसा नहीं हुआ है थोड़ा समझाइए रिफ्यूट देखिए ये एक थोड़ा पेचीदा मामला है तो मैं थोड़ा सा उसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा ये थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इशू है अब क्या होता है कि आप लोग सबके पास आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है ठीक है वो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं और एक मोबाइल फ़ोन आज की तारीख़ में एक बहुत ही बारीकी ऑब्जेक्ट है उसको बनाना फ्रॉम डिज़ाइन टू चिप्स टू आप सोचिए एक ही फ़ोन के अंदर माइक है कैमरा है क्या क्या चीज़ें हैं तो इसको बनाना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है तो इंडिया जो था काफ़ी टाइम तक मोबाइल फ़ोन इम्पोर्ट कर रहा था और जैसे जैसे इंडिया में मोबाइल की पेनिट्रेशन बढ़ रही है इंडिया का इम्पोर्ट बिल भी बढ़ रहा था तो ये एक अच्छी बात है ये सोचना कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मोबाइल फ़ोन भारत में बनाएं ये इसमें सहमति है तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले टैरिफ बढ़ाया गया फिनिश्ड मोबाइल फ़ोन पे फिनिश्ड मोबाइल फ़ोन का मतलब कि आप एक पूरा मोबाइल फ़ोन इम्पोर्ट कर रहे हैं सैमसंग का हुआ एप्पल का हुआ या जिस भी कंपनी का हुआ उस पर टैरिफ बढ़ाया गया उससे क्या होता है कि बाहर से ख़रीदा हुआ मोबाइल फ़ोन अगर कोई कंपनी इम्पोर्ट कर रही है वो महंगा हो जाता है भारत में अगर आपको पहले सौ रुपये का मिल रहा था उस पर अगर बीस फीसदी इम्पोर्ट लगाया गया तो आप, आप तक पहुँचते पहुँचते वो एक सौ तीस चालीस रुपये का हो जाता है उसके बाद ये एक पॉलिसी ली गई कि भारत में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर होने चाहिए ये भी एक बहुत अच्छी बात है लेकिन इसका मतलब क्या है कि भारत में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर इसकी डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है फिर अंडरस्टैंडिंग की जो गवर्नमेंट फिगर्स पोस्ट कर रही है उसका क्या मतलब है अगर आप सारे कॉम्पोनेट्स मोबाइल फ़ोन के सी बोला जाता है कम्प्लीटली नॉक डाउन किट उसका क्या मतलब है कि अब सारे जो कॉम्पोनेंट्स हैं कैमरा बैटरी चिप्स वगैरह यहाँ तक कि ऐसा कि ऑलमोस्ट मोबाइल फ़ोन ऑलमोस्ट पूरा तैयार हो चुका है उसको आप इम्पोर्ट करते हैं उसको आप बस असेंबल करते हैं असम्बल का मतलब कि आप उसको यू पुट इट टुगेदर और फिर वो मोबाइल फ़ोन भारत में बेचा जाता है तो वो मेड इन इंडिया हो गया क्योंकि वो भारत में बनाया गया है अब ऐसा भी हो सकता है कि आप वो मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो उससे क्या होगा कि जो आपका एक्सपोर्ट के नंबर हैं वो ऊपर चले जाएंगे ऐसा लगने लगेगा कि भारत तो मोबाइल फ़ोन जगरनाट बन गया है मैन्युफैक्चरिंग में इसको और इंसेंटिवाइज़ करने के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिख इंसेंटिव स्कीम निकाली उसका क्या मतलब है कि हर मोबाइल फ़ोन जो आप मैन्युफैक्चर करेंगे जैसे कि एप्पल ने अभी फैक्ट्री इंडिया में लगाई है उस पर पाँच हज़ार आपको गवर्नमेंट देगी कि हर मोबाइल फ़ोन पे मैं आपको सब्सिडी दे रहा हूँ क्यों क्योंकि आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए बाकी और सारी प्रॉब्लम्स हैं और उनसे उनको एमिलियोरेट करने के लिए उनको पैसीफाई करने के लिए मैं आपको एक सब्सिडी देता हूँ लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब क्या है? मतलब क्या है अगर आप सिर्फ असेंबल कर रहे हैं तो आप कितना मूल्य मूल्य बढ़ा रहे हैं उसके लिए आप अगर वो मूल्य बहुत ही कम है तो आ, ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करके असेंबल करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी और गवर्नमेंट कहेगी एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं हम पूछ रहे हैं कि आप मूल्य कितना बना रहे ऐड कर रहे हैं उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं उस पर क्या आप सचमुच मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या स्क्रूड्राइवर टेक्नोलॉजी से असेंबल कर रहे हैं तो सरकार ठीक से कहती है कि हाँ ये फर्स्ट स्टेज है सेकेंड स्टेज में हम ज़्यादा मूल्य बढ़ाएंगे इसमें हम कंपोनेंट्स को बनाएंगे वगैरह वगैरह तो हम ये कह रहे हैं कि काफ़ी साल हो गए ये स्टार्ट करके हम नोकिया के नोकिया की फैक्ट्री थी भारत में और वो भी असेंबल कर रही थी वी नेवर मेड दैट जंप टू मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स मे बी दैट हैपन्स बट इट्स अ स्लो प्रोसेस और हम कब तक सब्सिडाइज करेंगे मैन्युफैक्चरर्स को सिर्फ यू नो टू असेंबल एंड एक्सपोर्ट एंड जो हम सवाल पूछ रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है हम ये गवर्नमेंट से कह रहे हैं बस एक्सपोर्ट से नहीं चलेगी हमें ये भी देखना है कि हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं और हम कितना वैल्यू एडेड बीच में डाल रहे हैं तो अच्छी बात यह है जब आजकल जब मिनिस्टर्स बोलते हैं वो सिर्फ एक्सपोर्ट्स के बारे में नहीं बोलते हैं आजकल वो कह रहे हैं कि हमने इतना वैल्यू एडेड किया है तो हम सरकार से पूछ रहे हैं अच्छा वैल्यू एडेड आप कह रहे हैं अब थोड़ा डिटेल्स बताइए ना आप वैल्यू एडेड कहाँ हो रहा है कैसे हो रहा है और आपको सब्सिडी देना है क्या वैल्यू एडेड के लिए या एप्पल जो कह रही है हम इंडिया में बनाना चाहते हैं एप्पल क्यों ये क्यों कह रही है ये इसलिए कह रही है कि चीन पे डिपेंडेंट नहीं होना है उनको तो इसलिए चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी में भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सिडी क्या हमें देना है या ऐसे ही एप्पल इंडिया में आएगी और मैन्युफैक्चर करेंगे ये सब सवाल पूछना चाहिए क्योंकि ये सब्सिडीज काफ़ी महंगे हैं इसी में मैं एक चीज़ जोड़ रहा हूँ थोड़ा सा समझाइए इसको आप चाइना फिटिश का जिक्र कर रहे थे चाइना जैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में क्यों नहीं हो पाया कहाँ लै करें हम किताब में बेसिकली तीन तथ्य रखते हैं ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये इस, इसको सोचना डेप्थ में एक इम्पॉर्टेंट है पहला ये है कि चाइना जब तक वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्केल पर आया जब डेन शॉपिंग ने डिसाइड किया कि हम इकोनॉमी को खोलेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट इम्पोर्टेंट लीडर रहे चाइना में बीसवीं सदी में डेन शॉपिंग तब तक उनकी एक बेसिक एजुकेशन और हेल्थ लेवल काफ़ी पुख्ता तो हो चुकी थी जो उनका वर्क फोर्स था उनके पास और वो बढ़ती गई साथ, साथ साथ सत्तर के दशक में अस्सी नब्बे के दशक में दे हैड अ बेसिकली वेल मीडियमली वेल ट्रेन वर्क फोर्स एजुकेशन हेल्थ केयर वग़ैरह और वो बहुत तादाद में थी बहुत ज़्यादा तो जब अमेरिकी कंपनियों ने हुआ क्या कि साठ और सत्तर के दशक में ट्रांसपोर्टेशन बहुत चीप हो गया दुनिया में शिप्स यू you नो know, ये सब वगैरह तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ लेबर इतना चीप है एडवांटेज इतना ज़्यादा है कि उन्होंने धीरे धीरे करके फैक्ट्रियाँ जब वहाँ सेटअप करना शुरू किया तो चाइना के पास एक मॉडरेटली स्किल्ड लेबर फोर्स बहुत हाई संख्या में थी जो भारत के पास नहीं थी तो हमारे पास आ, उस समय ईयर्स ऑफ एजुकेशन हम हम, हम नंबर्स देते हैं किताब के अंदर चाइना से बहुत कम थे अभी भी हम कैचअप कर रहे हैं चाइना के साथ कर चुके हैं लेकिन क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है आपको लगता है मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशली हम चाइना को कभी भी यू नो चैलेंज कर सकते हैं उससे आगे निकल सकते हैं अब हाँ ये ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं बट आ, हम 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 ये डिस्क्राइब करते हैं मेरे कि भारत में क्यों नहीं हुआ यू you नो know, कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ हमारे भारत में पहले दूसरा बात हम ये रखते हैं कि चाइना में एक एक सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस और मार्केट वेजेस था कि अगर आप इससे ज़्यादा आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ सकती ये आप एक अथॉरिटिन गवर्नमेंट में कर सकते हैं और आ, ये सड़क बनानी है इस गांव को साफ़ कर दीजिए यू नो यहाँ से सड़क जाएगी यहाँ पोर्ट बनेगा ये सब जो चीज़ें थी आप आसानी से कर सकते थे चाइना में जो आप इंडिया में नहीं कर सकते लैंड एक्विजिशन काफ़ी सरल था और ये जो यूनियंस थे उनको सप्रेस किया सब यूनियंस कम्युनिस्ट पार्टी के यूनियंस थे और उनको कहा गया था कि वेजेस इतने इतने ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं ये लिमिट है वेजेस की तो uh, ये वेजेस को सप्रेस करके लैंड uh, एक्विजिशन आसानी से करके उन्होंने काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट किया जो हम नहीं कर पाए इसमें एक सवाल है एक बार शायद आपने कहा था कि रिफ़ॉर्म्स के लिए ये मिथ है कि एक स्ट्रॉ गवर्नमेंट चाहिए आपने कहा था कि अलायंस वाली गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे रिफ़ॉर्म्स कर सकती है क्योंकि वो शायद सारे पक्षों को समझ करके फैसला कर सकती है जबकि जनरली ये माना जाता है कि एक स्ट्रॉग गवर्नमेंट है तो वो स्ट्रॉन्ग फैसले जो मौजूदा सरकार उसके बारे में कहता है कि वो कड़े फ़ैसले ले सकती है न सिर्फ इकॉनमी के मोर्चे पर दूसरे भी मोर्चे नहीं स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तो फैसला ले सकती है लेकिन अगर कंसल्टेशन के, के बिना फैसला लेती है तो एक लोकतंत्र में प्रोटेस्ट हो जाते हैं जैसे हमने ये जो किसान लॉस थे हमने देखा कि अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो लॉस पास किया विदाउट मच डिबेट इन पार्लियामेंट विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट्स विदाउट सींग कि वॉट इज दी कंसेंसिस फॉर देट तो हम ये कह रहे हैं कि अगर स्ट्रांग uh, गवर्नमेंट हो सेंटर में और अच्छी तरह से इसे कंसल्ट करें लोगों के साथ तो मे बी यू कैन मूव फास्टर बट अदरवाइज ये जो कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं उनको कंसल्ट करना तो uh, मजबूरी है मजबूरी है तो दे हैव टू कंसल्ट दे कॉन्ट पास लॉस विदाउट कंसल्टेसन

इंडिया को प्रमोट करना या फिर जी को लाना चाहे जिस चीज भी तरीके में लाया हो बट आप आप एक आप एक बहुत इंटरेस्टिंग जो रघु बात करें ना कंसेंसस बिल्डिंग की आप एक बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रॉपर्टी देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी हुई हैं ये बहुत समय से हो रही थी या तैयार हो रही थी या वाजपेयी गवर्नमेंट जी के टाइम से गोल्डन कार्ड लेटर बनाओ फिर बाकी सड़कें बनना शुरू हुई एक कंसेंसस बन रहा था जीएसटी पे भी आग, आगे आगे पीछे हुआ बहुत सारे स्टेट्स के लेकिन जो झटके जो आप बोल रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग सरकार का जो एक होता है जो स्ट्रॉन्ग सरकार के गार में डिसीजन लिए जाते हैं कभी कभी जो कंसेंस जो नए डिसीजन थे जो पहले से नहीं डिस्कस हो रहे थे कंसेंसस नहीं बना था तीन उदाहरण हम किताब में देते हैं और इसमें कोई पक्ष पक्षपात की बात नहीं है कि हम इसको क्रिटिसाइज़ करें एक 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 उदाहरण देने की इम्प्लीमेंटेशन कभी कभी अच्छी होती है अगर आप स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो जब कंसेंस बिल्डअप हो चुका है लेकिन आप डीमॉनिटाइजेशन लीजिए लॉकडाउन लीजिए और फार्म लॉज लीजिए इनको एक स्ट्रोंग तरीके से लाया गया और हम ये मानते हैं कि तीनों तीनों उदाहरणों में ये एक गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया जबकि ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी डीमोनिटाइजेशन अच्छा उससे पहले मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ ये

अच्छा ऑब्जर्वेशन आपका हा? सीरियस लगते हैं तो है। है। अच्छा, अच्छा, उम्र थोड़ी सी ज़्यादा लगती अच्छा हाँ uh, uh. आपको पहली बार कब पता चला कि ये गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन लाने वाली है मुझे शुरुआत में पता चला वेरी अर्ली क्योंकि वो तबाब uh, थे सरकार uh, uh, के साथ हाँ uh, uh, मेरे ख्याल में ट्वेंटी सिक्सटीन अर्ली जब uh, पीएमओ से बात हुई पीएमओ ने पूछा कि आप प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की फोन आता था या नहीं, नहीं, नहीं वो फिजिकल uh, मीटिंग्स आप इसके बारे में क्या सोचते हैं तो हमने बताया हम क्या सोचते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया था आपको नहीं ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑफिस ने बुलाया था uh, आपने 2018 में हारवर्ड में ये कहा कि मैं अपने एक डिसेंट का नोट भी छोड़ के आया था डिसेंट का नोट नहीं एक नोट हमसे मांगा गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आर से मांगा गया था कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं क्या लिखा था आपने उसमें, उसका समरी? तो समरी तो ये है कि ये 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 हो सकता है डिमोनीटाइजेशन है ये बेनिफिट्स हैं ये कॉस्ट हैं ये ऑल्टरनेटिवस हैं जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं तो आ, वो तो नोट ने डिटेल किया कि दीज आर द बेनिफिट्स दीज आर द कॉस्ट दीज आर दल्टरनेटि एंड वी वुड सजेस्ट यू एक्सप्लोर दीज ऑल्टरनेटिव दैन डू द डिमोनेटाइजेशन दैट वॉज दी समरी लेकिन आपका नोट बाद में मिला नहीं मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी खोजा गया पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठा गायब हो गया आपका नोट मेरे पास नोट है अच्छा उस नोट की कॉपी है आपके मेरे पास नोट की कॉपी है क्योंकि मैं जो डॉक्यूमेंट्स आर बी आई भेजता था मैं आई यूज टू ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नोट्स आई यूज टू वर्क ऑन एंड दिस वॉज अ वेरी इम्पोर्टेंट नोट इट वॉज हैंड डिलीवर्ड आप, आप समझेंगे कि दिस वॉज ए वेरी वेरी सीक्रेटिव प्रोसेस एंड इट वॉज हैंड डिलीवर्ड एंड देर इज आई कैन इवन टेल यू द डेट फेबर टू थाउजेंड एंड आपने फेबररी में अपना नोट दे दिया था उनको आपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ भी काम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी काम किया दोनों के साथ काम करने में क्या क्या अंतर क्या क्या डिफरेंसेस आपने महसूस किए दोनों प्रधानमंत्री बहुत हार्डवर्किंग थे आ, मनमोहन सिंह जी का हार्ट अटैक भी हुआ था हार्ट बाईपास हुआ था जब ऑफिस में थे आ, उनका स्टाइल तो अलग था आ, आ, जो मनमोहन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वो तो इकोनॉमिस्ट थे और वो आ, समझते थे जो मैं आ, कह रहा था तुरंत ही मनमोहन मोदी साहब मोदी साहब ने आ, आ, पहले मैंने उनको बताता था, था कि आ, ये अर्थशास्त्र में ये हो रहा है इस पे अटेंशन देना है उस पे अटेंशन देना है तो हमारे पहले मीटिंग्स ऐसे जाते थे बाद में वो समझते थे कि क्या यू you नो know, मैं जो कह रहा था वो उनका आ, क्या एक्सपीरियंस हो गया था इन सब चीज़ों में और फिर डिस्कशन एक हायर लेवल पे चलता था उनके जो इंस्ट्रक्शंस होते थे मतलब वो किस तरह के होते थे कई बार बड़ी आलोचना होती है कि वो इंस्ट्रक्शन कई बार एक तरफा होते हैं इस तरह के क्लेम्स हैं मैं yeah. सब अनवेरीफाइड हैं yeah. आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उनके no, साथ I, एक कमरे में मोर अबाउट इट्स नॉट फेयर टू ठीक है थोड़ा पीछे चलते हैं आ, आप अमेरिका में थे 98 में यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी यशवंत सिन्हा के सुपुत्र जयंत सिन्हा से आपकी अच्छी दोस्ती थी और एक बार यशवंत जी आए तो आपने उनको है दोस्ती है अच्छा तो कुछ सलाह दी आपने उस समय फिनेंस मिनिस्टर को और वो सलाह फिर अमल में भी लाई गई इम्प्लीमेंट भी क्या था वो किस्सा आए थे वहाँ पे तो हमने उनसे बात किया वो पूछ रहे थे कि कुछ सलाह दीजिए तो हम बैठ के वो सरल फॉर्म के बारे में उन उनके साथ बात किया वो सरल इनकम टैक्स फॉर्म तब आप पीएचडी कर रहे थे उस टाइम नहीं मैं मैं तो प्रोफेसर था अच्छा तब प्रोफेसर आ, शिकागो में तो आ, सरल इनकम टैक्स फॉर्म के बारे में बात किया फिर हमने वो आ, टैक्स बेनिफिट्स टू रियल इस्टेट उनके साथ बात किया कि जो आ, लोग जब घर खरीदते हैं तो उनके लिए क्या टैक्स बेनिफिट्स हो सकता है टू इंक्रीज रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन तो यशवंत सिन्हा जी बहुत खुश थे कि ही गॉट समट दैट टाइम फिर गुड इंटरक्शन टू थाउजेंड थ्री में आपको आई एम एफ का जो है uh, मुख्य अर्थशास्त्री बना दिया गया चालीस मेरे ख्याल से आपकी उम्र थी उस वक्त वो टाइम थोड़ा सा आई एम एफ के लिए चैलेंजिंग था क्योंकि कुछ आईएमएफ के एडवाइसेस को मान करके कुछ देशों की स्थिति अच्छी नहीं थी इंडोनेशिया वियतनाम वगैरह की वो किस्सा क्या, क्या है तो आईएमएफ में ये प्रॉब्लम थी कि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में आईएमएफ ने जो सुधार ले आने की कोशिश की एशियन कंट्रीज़ में तो उसके उसमें बैकलैश हुई आ, उन उन देशों ने कहा कि आप वही जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स ले आ रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर का प्रॉब्लम है बैंकिंग का प्रॉब्लम है बैड लोन्स एन का प्रॉब्लम है वो दूसरा प्रॉब्लम है जो आप टैकल कर रहे हैं वो एक्सेसिव स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट है आपको सोचना चाहिए कि आप क्या एडवाइस दे रहे हैं आप ठीक एडवाइस नहीं दे रहे हैं तो इसलिए आईएमएफ uh, 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 के मैनेजिंग डायरेक्टर ने सोचा कि uh, हमने उस वक्त गलत एडवाइस एक नया मैनेजिंग डायरेक्टर आया था आ, आ, और उसने कहा कि मे बी होस्ट कॉलर कि हमने गलत एडवाइस दिया हमें फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करना है और फिर वो ढूंढने लगे कि फाइनेंशियल सेक्टर इकोनमिस्ट कौन हो सकता है जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर एफर्ट्स को मजबूत करें तो वो हमारे पास आए और पूछा कि आप इंटरेस्टेड हैं तो मैंने पहले कहा कि मैं आप तो माइक्रो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है मुझे कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं आती है मैं सिर्फ आ, आ, स्कूल में पढ़ा था कॉलेज में पढ़ा था तो ये जो ये जो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे एन क्रीगर उन्होंने कहा कि मुझे भी माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पता है तो हम दोनों साथ मिलकर सीखेंगे तो मैं आ, मैं शामिल हुआ आईएमएफ में और माइक्रो इकोनॉमिक्स सीखा आ, मैं पहले कहता था पब्लिक में कि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ मैक्रो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ तो मैं मे, मेरा स्टाफ ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते आप सबसे बड़े मैक्रो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आप ये नहीं कह सकते कि आप मैक्रो इकोनॉमिस्ट नहीं हैं तब आजकल ठीक है कुछ सीख लिया तब तब से और इस्तेमाल किया जब मैं यहाँ का गवर्नर बना तो काफ़ी जो वो चीज़ वो लर्निंग्स लर्निंग्स एक सवाल फ्रीबीज़ को लेकर के इस समय बड़ा चर्चा ट्रेंड में है ये शब्द बहुत सारी पार्टियाँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर रही हैं डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डाल रही हैं आपने एक समय सब्सिडीज़ को कहा था कि हमें कम करना चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि ये वेलफेयर स्कीम्स हैं ये कुछ लोगों के लिए ज़रूरी हैं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये फ्रीबीज़ हैं श्रीलंका का हाल हमने देखा है उसकी इकॉनमी का क्या हाल हुआ उसके पीछे लोग कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर हिंदी में कहते हैं कि वो एक कारण था आप कैसे देखते हैं इसको क्योंकि दोनों पार्टियाँ तीनों पार्टियाँ जो भी बड़ी पार्टियाँ है, हैं वो रही करेंगे अच्छा मैं जल्दी से बोलूँगा फिर रोहित जी को जगह दूँगा मेरे ख्याल में एक जगह है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के लिए कभी कभी बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए भी जगह है सबसे जो गरीब लोगों को उनको ट्रांसफ़र देना कभी कभी अच्छा है क्योंकि उनके पास जब पैसा है तो वो दुकान जा सकते हैं और मांग सकते हैं कि हमें सर्विस चाहिए हमें अच्छे चीज़ें चाहिए और जो बच्चे हैं हम कहते रहते हैं किताब में कुपोषण एक बहुत गंभीर प्रॉब्लम है इंडिया में अगर वो ज़्यादा अंडे ख़रीद सकते हैं बच्चे के लिए या ज़्यादा दाल खरीद सकते हैं तो वो अच्छा है क्योंकि बच्चे हेल्दी पैदा हुआ देखे ग्रो इन अ हेल्दी वे सो दैट्स गुड ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र टू टारगेटेड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अच्छा है क्योंकि वो एम्पावर करती है गरीब लोगों को लेकिन आ, अगर आप बेनिफिट्स ट्रांसफ़र करते रहते हैं और बाकी कुछ नहीं करते हैं अगर आप आ, पैसे आ, शिक्षा में नहीं डालते हैं आप पैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ में नहीं डालेंगे क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है आप इंफ्रास्ट्रक्चर uh, में इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने इतना सारा ट्रांसफ़र किया नॉट जस्ट टू पुअरेस्ट बट सबको ट्रांसफ़र किया हर फैमिली uh, को आप इतना पैसे दे रहे हैं फिर आप निगलैक्ट कर रहे हैं बेसिक ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट तब यू नो बेनिफिट से रेवड़ी हो जाती है फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्री ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में और फ्री वाटर आपको लगता है कि इसमें अप टू अ पॉइंट अप टू अ पॉइंट कि इंडस्ट्रियलिस्ट को फ्री वाटर नहीं देना है uh, बड़े किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी अगर आप देंगे तो आप वो खोदेंगे खोदेंगे डी डिगर डी डीपर एंड डीपर ट्यूब एंड एक्सट्रैक्ट द वाटर पुअर फार्मर्स कॉन्ट गेट द वाटर बिकॉज दे कांट गो सो डीप यू हैव टू थिंक कि ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है इसको अच्छी तरह से एनालाइज करना है और जब फ्री सामान किसी को देंगे तो ओवर यूज़ होता है उसका तो वो हम हमें सोचना पड़े एक इसी में मैं एक सवाल जुड़ दूँ फिर आप कहिएगा अभी छत्तीसगढ़ में इलेक्शंस हुए मैं वहाँ कवर करने गया था और लौटा वहाँ सबसे बड़ा वहाँ सेवेंटी एटी परसेंट लोग फार्मिंग करते हैं खेती करते हैं सबसे ज़्यादा धान होता है पैडी की खेती होती है उसमें पानी लगता है बहुत ज़्यादा वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसने कहा कि हम एम देंगे एम पे बोनस देंगे छः सौ सात सौ उन्होंने बोनस दिया डिलीवर भी किया बीजेपी ने ये प्रॉमिस किया कि हम उससे भी ज़्यादा देंगे हम 3100 देंगे फिर कांग्रेस ने कहा 3200 देंगे इस वजह से जो धान का रकबा है यानी जितने ज़मीन पर धान बोया जा रहा है वो ज़मीन बढ़ गई धान का प्रोडक्शन बढ़ गया एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो जो हैं सो हैं ही बट इस तरह के अब इसमें स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें हैं जो कहती हैं कि किसान की बेहतरी के लिए जितनी उसकी लागत है जितना वो लगा रहा है खेती में उसका डेढ़ गुना उसको मिलेगा तब जाकर के उसका फ़ायदा है कुछ वो अभी भी नहीं हो रहा है अगर आप जो दोनों पार्टियाँ प्रॉमिस करें तब भी नहीं हो रहा है पर धान लगातार बढ़ रहा है तो जो सरकार का एक्सपेंस है उनको देने में इतना खर्च हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो प्रतिशत था जीडीपी का वो खर्च कम हो गया छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल गवर्नमेंट में कैसे डील करें इस प्रॉब्लम से ये एक बहुत कॉम्प्लिकेट सवाल है मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट करना चाहूँगा एक होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो आप सीधा सीधा कैश दे रहे हैं एक होता है इनका इन ट्रांसफ़र और एक होता है आपके पेशे से रिलेटेड अगर आप किसान हैं तो आपको ये मिलेगा आपको थोड़ा सा ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंगशन है रघुअर में जब लिख रहे थे किताब तो हम लोग सोच रहे थे कि ये जब हम लोग एविडेंस देख रहे थे इसके ऊपर तो हमने देखा कि एक एक यूनिफॉर्मिटी है पोलिटिकल कॉमेंट्री में इन चीज़ों पर जो है जो यू नो ऐसे बताई जा सके कि तुम्हारा ट्रांसफ़र रेवड़ी मेरा ट्रांसफ़र जल कल्याण ये yes. सब दूसरों के ट्रांस ट्रांसफर को क्रिटिसाइज करते हैं अपने खुद भी वो कर ही रहे हैं तो ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है बिकॉज इसका जैसे कि आप बता रहे हैं ये ये कंपेटेटिव पॉपुलेशन का कोई अपर बाउंड नहीं है hmm. कि कहाँ पे ख़त्म होगा और मैंने मैंने भी देखा था आप लोगों का कवरेज मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक एक मुझे थोड़ा बहुत जो मैंने देखा छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में एक ऐसा फीलिंग आया कि ये बात नीचे तक जा चुकी है कि लोगों को पता लग रहा है यंग लोग बोल रहे हैं कि कि ये 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 सस्टेनेबल नहीं है ये फिजिकल अरिथमेटिक आफ्टर सम टाइम ये कहाँ से गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आप लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है मुझे लगता है बहुत इंटेलेक्चुअल्स का मीडिया का कि एक जो है ये एक मैं बोलता हूँ एक पॉवर्टी ऑफ लैंग्वेज हो गया है डिमांड और सप्लाई दोनों एंगल पे इसका क्या मतलब है कि अगर एक मैं सिटीज़न हूँ मैं अपने सरकार से क्या मांग सकता हूँ और मोटे तौर पे ये एक मुझे बहुत चिंता का विषय लग रहा है कि ये बेसिकली दो चीज़ों पे आके गढ़ गया है एक सरकारी नौकरियों में आरक्षण और दूसरा किसी ना किसी ट्राइप का फ्री भी वेदर अगर आप एम बोलें या जो भी बोलें इस पर जो कॉन्वर्सेशन आके अड़ गई है और लोग भी यही मांग रहे हैं और सरकारें यही ट्रांसफ़र कर रही हैं ये इसी पैमानों पर इलेक्शन लड़े जा रहे हैं जिसे जितना जितना शब्द जितनी बार मैंने ये शब्द स्कीम सुना मध्य प्रदेश के आपकी कवरेज में मुझे अच्छा नहीं लगा एज एन इकोनॉमिस्ट कि हम नौकरियों के बजाय स्कीम के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं इनेबलिंग uh, फ्रेमवर्क्स के बजाय हम ट्रांसफर्स की बात ज़्यादा कर रहे हैं एनेबलिंग so, फ्रेमवर्क क्या होता है कि एक जी uh, एस एक एनेबलिंग फ्रेमवर्क है इंडिया uh, स्टैक uh, एक डिजिटल ट्रांजैक्शन एक एनेबलिंग फ्रेमवर्क इनके इनकी मांगों के बजाय हम ज़्यादा ये मांग कर रहे हैं तो ये डिमांड सप्लाई दोनों प्रॉब्लम है एमएसपी पे आते हैं तो ये जब भी एक पॉलिसी आप लागू करते हैं इकोनॉमिक से एक शब्द इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नैलिटी जब आप एक पॉलिसी लागू करें जैसे अगर मैं एक पॉलिसी लगा करूँगा जिससे कुलदीप को बेनिफिट होगा तो मुझे एक एज एन इकोनॉमिस्ट ये भी इवेल्यूएट करना पड़ता है कि बाकियों को उससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है आपके जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र में आपके आपके उपजाऊ उत्पादन के लिए दे रहा हूँ उससे आपको तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन जो अब तो ये इंडिया पूरी इंडिया प्रॉब्लम फैल रही है पंजाब से जो प्रॉब्लम शुरू हुई लो वाटर टेबल की कि आप इतनी तादाद में धान उगवा रहे हैं और इट्स मोर देन द रिक्वायरमेंट राइट नाउ फॉर द कंट्री गोदा भरे हुए हैं हमारे धान से ये आपने डिसाइड कर लिया कि दिस सो यू बिकम अ प्रिजनर ऑफ योर ओन इंस्ट्रूमेंट कि सरकार को पता है कि ये एक मेथड है जो फुल प्रूफ मेथड है जिससे मैं किसान को पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और कुछ ना कुछ वो उस, उसके बदले में कुछ प्रोड्यूस भी करेंगे कि धान है धान ये चल रहा है बाकी सरकारों ने एमएसपी दिया है मैं इस पर बोनस देता जाऊंगा इसकी जो एक्सटरनेलिटी है दो चीज़ों पे बहुत गंभीर है एक हमारे वाटर टेबल पे दूसरे हमारे न्यूट्रिशन पे जो जो फूड uh, बास्केट जिसको बोलते हैं जो हमारे बच्चे खा रहे हैं उसमें और कैलोरीज की आवश्यकता नहीं है अब ज़्यादातर ज़्यादातर प्रोटीन्स और विटामिन की आवश्यकता है तो हम जो सब्सिट्यूट अवे कर रहे हैं पल्सेज उगाने से और जो बाकी चीज़ें उगाने से वो एक बहुत बड़ा एक्सटर्नैलिटी इम्पोज कर रहे हैं अपने बच्चों पर और एक वाटर टेबल पर तो ये एक बहुत प्रॉब्लम का विषय है इसका कोई आसान जवाब नहीं है इसका जो कॉम्प्लिकेटेड जो 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 जवाब हम देना चाहेंगे वो ये है कि यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम दिस सिस्टम देर इज़ नो सब्सटीट्यूट यू के नॉट कीप डूइंग दिस देर इज नो एंड टू दिस बट इसका जो बट ये भी एक बहुत जरूरी है कि किसान को सपोर्ट मिलना चाहिए लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं सपोर्ट के वो चेंज हो जाने चाहिए इनकम सपोर्ट इंश्योरेंस ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ कि आपको अगर और और मोर अपॉर्चुनिटीज टू सेल योर प्रोड्यूस एंड ये होते हैं एनेबलिंग फ्रेमवर्क्स डायरेक्ट ट्रांसफर राइट कि अगर आपका किसान का अगर उपजाऊ कुछ यू नो बाढ़ की वजह से किसी की वजह से आ, खराब हो जाता है तो उसको एक इंश्योरेंस होना चाहिए एक मिनिमम इनकम सपोर्ट होना चाहिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ ट्रांसफर टू यू फॉर योर प्रोड्यूस कि आप ऐसी कोई चीज प्रोड्यूस करें इससे इतनी एक्सटर्नैलिटी बढ़ गई है मेरे को आपको एक मिनिमम एक्सपोर्ट होना चाहिए कि किसान के पास हमेशा खाने के लिए एक बेसिक एक इनकम होनी चाहिए और तीसरी बात जो मैंने कही कि आ, कि इंश्योरेंस इनकम और ए, और इवेंचुअली इसका जो उपाय है वो खेती में नहीं है इवेंचुअली जो उपाय है इसका इस टेकिंग पीपल अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर जॉब्स मैं उधर ही आपने कहा भी है एक बार और मेरा अगला सवाल वही था आपने एक बार ये कहा था कि हम लोगों को एग्रीकल्चर से निकाल करके सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके जाएं। इस कॉन्टेक्स्ट में मेक इन इंडिया एक एफिशिएंट योजना नहीं है योजना है और आ, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिना सब्सिडी के आ, अगर हम बढ़ा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है हम ये कह रहे हैं कि हम जो मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात करते हैं जब हम पूछते हैं कि आ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका क्या है कभी कभी कहते हैं कि हमें पावर नहीं मिलता ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता लेकिन ज़्यादातर वो बोलते हैं कि हमें वर्कर्स नहीं मिलता है तो हम उनसे पूछते हैं क्या इतने सारे लोग हैं इंडिया में आपको वर्कर्स क्यों नहीं मिल रहा है वो कहते हैं जो वर्कर्स मिलता है वो ट्रेंड नहीं है वो स्किल्ड नहीं है और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वर्कर्स नहीं मिलता है तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है सबसे बड़ा एसेट है हमारा 1.4 बिलियन लोग और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो उचित उन उनके पास उचित कुशल और शिक्षा नहीं है आ, कि वो ये जो काम अवेलेबल हैं उपलब्ध हैं वो काम नहीं कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में सर्विसेज में तो हमें उनको अपॉर्चुनिटी देना है कि वो अपने स्किल्स को बढ़ाएं अपना एजुकेशन कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं आ, एक सर्वे है ये व्हील वीबॉक्स बॉक्स का सर्वे है उस सर्वे में कहते हैं कि फिफ्टी परसेंट पचास प्रतिशत प्रतिशत ग्रेजुएट्स वो अनएम्प्लॉयबल हैं वो उनको नौकरी नहीं मिल सकता है क्योंकि उनके पास बेसिक स्किल्स नहीं हैं जो उस डिग्री में है जैसे कि सिविल इंजीनियर है वो सिविल इंजीनियरिंग के जो नॉलेज है उनके पास नहीं है तो हमें ये देखना है कि कैसे एम्प्लॉयबल बने आ, बनाएं और हमारा एसेट है पोटेंशियल वर्कर्स <coughs> उन वर्कर्स को ये चाइनीज वर्कर्स जैसे कैसे स्किल स्किल uh, करें दैट इज़ आर बिगेस्ट चैलेंज और इसमें एक जो स्टेटिस्टिक इंटरेस्टिंग जो हम किताब में लिखते हैं कि पेंडेमिक से पहले भी बाद में तो हुआ ही पहले वाले साल में भारत में बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया More people moved away from uh, uh, regular services back to agriculture. मैं इसमें ये इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि मनरेगा एक स्कीम yeah. है मनरेगा का एक क्रिटिसिज्म ये है कि स्किल्ड बेसिस नहीं है ये उस तरह के तो क्या सोचते हैं आप मनरेगा आपके रिजर्वेश मन, मनरेगा को हमें आ, आ, उसको ऐसे देखना है कि दिस इज ए सेफ्टी नेट अगर um, अगर इकॉनमी नीचे जाएगा अगर लॉकडाउन हो देर इज सम सोर्स ऑफ इनकम इन रूरल एरियाज दैट इज़ वॉट मनरेगा इज आई डोंट थिंक इट इज़ एन एसिड क्रिएटिंग वेंचर इट इज़ प्योरली अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग इनकम बेस्ड ऑन सम वर्क लेकिन हमें ये नहीं देखी अगर हम उनको इफ वी कैन ट्रेन देम ड्यूरिंग मनरेगा दैट्स वेरी गुड बट वी शुड सी इट प्राइमरली एज अ सेफ्टी नेट कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये इनकम सपोर्ट है जो माइग्रेंट्स थे सिटीज़ uh, में सिटीज़ uh, में उनका नौकरी बंद हो गया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन वो वापस विलेज गए वहां पे मनरेगा से उनको

नहीं अखबारों में गलत छपा है अखबार में काफी गलती गलत चीजें नहीं बट मैं अभी ये आप इसको सवाल पूछिए पूछ, इस, इस सवाल रो, को ऐसे ले लेते हैं कि बीते आठ साल में भारत की जीडीपी डी दसवें नंबर पर थी या पांचवें नंबर पर आ गई मेरा एक काफी फेक ट्विटर अकाउंट्स हैं उसमें लोग कुछ भी लिखते हैं लोग सोचते हैं कि मैंने वो कहा है मैं ऐसे ट्विटर की बात भी करेंगे एक सवाल ट्विटर पर भी है लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने यह कहा कि हम दो तक हो सकता है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएं पिछले आठ साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स क्या देखते हैं आप आने वाले और पाँच साल की अगर बात करें कई लोग ये कहते हैं जैसे इसमें एक चीज़ और कि अभी हाल ही में आ, पांच विधानसभा चुनाव के असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट आए उसके ठीक बाद स्टॉक मार्केट चढ़ गया हाँ। मार्केट का सेंटिमेंट बीजेपी की जीत को फेवर करता है सेंटिमेंट अच्छा होता है यानी इकोनॉमिक फ्रंट पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है उनकी सरकार तो आ, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आ, ये जो लेटेस्ट नंबर्स हैं अच्छे हैं ओके तो हम आ, आ, लेकिन जब हम आ, आ, आगे की सोच रहे हैं अगले बीस साल के हमें ये सोचना चाहिए कि अच्छा क्या चल रहा है और कमज़ोरियाँ कहाँ पैदा हो रहे हैं अच्छा तो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है ये जो लास्ट टू क्वार्टर्स के जो अच्छे नंबर्स हैं इसलिए पार्टली इसलिए हैं क्योंकि आ, ये जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है आ, पहले तो एक परसेंट जी का था अब तीन परसेंट हो गया तो काफ़ी बढ़ गया लेकिन कमज़ोरियाँ कहाँ हैं एक तो कंजम्पन में कमज़ोरी है कंजम्पशन ग्रोथ काफ़ी धीमी हो गया क्यों क्योंकि हमारे जो गरीब लोग हैं जो मध्य वर्ग के लोग हैं वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है ये जो के शेप्ड रिकवरी जो कहते हैं उनके पास नौकरी इतने अच्छे नहीं है आ, कभी कभी आ, नौकरी नहीं मिल रहे हैं ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का नंबर है वो बढ़ गया है तो हमें देखना है कि ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ठीक से चल रहा है कंजम्पशन इतना अच्छा नहीं है उपभोग इतना अच्छा नहीं है और फिर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है जो हमारे प्राइवेट सेक्टर फर्म्स जो कर रहे हैं वो भी बढ़ा नहीं है अभी भी काफ़ी धीमी से चल रहा है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम कहते रहते हैं कि हम सबसे यू नो फास्ट ग्रोइंग नेशन है लेकिन अब अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखेंगे वो तो ट्वेंटी ट्वेंटी वन से कम होता जा रहा है आ, तो हमें ये सब देख के सोचना चाहिए ये क्यों हो रहा है ये जो चाइना के साथ अमेरिका का एक एक कुश्ती हो रही है तो आ, लोग कहते हैं कि आ, ये जो अमेरिकी अमेरिकन फर्म्स हैं वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी उनके पास है कि चाइना के अलावा कहीं प्रोड्यूस करें क्योंकि हमें थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिले इसे तो उन्होंने वो चाइना के बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में कभी कभी इन्वेस्ट करते हैं लेकिन ज़्यादातर मेक्सिको और वियतनाम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें चाइना प्लस वन फ्लोस क्यों नहीं आ रहे हैं हमें ये पूछना चाहिए हम इतना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हमारे पास तो मेरे ख्याल में जब हम आगे की सोच रहे हैं जब हम कहते हैं कि 2047 में विकसित देश होंगे तो हमें ये सवाल पूछना है कि ठीक है छः परसेंट चल रही है लेकिन बेरोजगारी है और हमें ज़्यादातर ज़्यादा बढ़ाना है ग्रोथ को गति ये उत्पादन की गति को और आठ परसेंट कैसे कैसे पहुँचेंगे तो उसके लिए ये सब सवाल जो मैंने पूछा उनका उत्तर देना है हमें कि फ़ॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे लाए विदाउट सब्सिडीज ठीक है आ, अभी जीडीपी का डेटा आया रिसेंटली उस समय आपका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर ट्विटर पर बहुत शेयर किया गया राहुल गांधी से बातचीत में आप कह रहे थे कि अगले साल हम लकी होंगे अगर हम पाँच भी अचीव कर लेते हैं हमने इस क्वार्टर में सेवन अचीव किया लोगों ने बहुत सवाल पूछे आपसे उपहास मजाक भी किया हाँ हाँ कैसे रिएक्ट करते हैं इन चीज़ों पे और क्या इस पर रिएक्शन क्या आप ये तो ऑर्गेनाइज एफर्ट है ब, 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 मैं तो देखता भी नहीं हूँ ये कमेंट्री को क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज है देखिए हम भाग्यशाली हुए हम लकी हुए कैसे लकी हुए दो चीज़ें एक तो दुनिया भी फास्ट दुनिया की गति भी फास्ट रही जैसे अमरीका ये जो पिछले क्वार्टर में फाइव का ग्रोथ हुआ अमेरिका में अमेरिका का पोटेंशियल है दो परसेंट उससे तीन परसेंट ज़्यादा उनकी गति हुई तो जब हम अपने आप को देखते हैं और कहते हैं कि सिक्स परसेंट इंडिया का पोटेंशियल है ये लास्ट क्वार्टर सेवन एंड हाफ थी गति सो वन एंड हाफ परसेंट वी ग्रो बिकॉज द वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो फास्टर एवरीबडी वाज़ एक्सपेक्टिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी टू स्लो मौजूदा सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं अच्छा मैं मैंने कहा दो बात चीज़, दो चीज़ें हैं दूसरी चीज़ है कि ये जो सरकार है इंफ्रास्ट्रक्चर की गति बढ़ाई एंड होपफुली इसलिए बढ़ाई क्योंकि सरकार ने देखा कि स्लो डाउन हो रहा है जनरल इकोनॉमी का हम इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर ज़्यादा पैसे डालेंगे तो सपोर्ट करेगी ए, ए, आ, अर्थशास्त्र को तो उनके लिए क्रेडिट तो देना चाहिए आ, सरकार को लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रोजेक्शंस बिगनिंग ऑफ द ईयर थे और जब हम आज आ, आज प्रोजेक्शन देखेंगे अगर आ, आप कोई भी इकोनॉमिस्ट के प्रोजेक्शंस देखेंगे तो बड़े हैं साल में क्योंकि हम भाग्यशाली हुए एक तो प्योर लक एक तो हमने काम किया और दोनों कारण आउटपुट इज हायर मेरा आखिरी सवाल और उसके बाद फिर ऑडियंस क्वेश्चन हैं हमारे जो दो चार सवाल हमारे न्यूज़ रूम के साथ ही पूछना चाहेंगे भारत सुपर पावर बनेगा या नहीं ये सवाल आपसे पहले ही पूछा गया था और आपने कहा था कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि सुपर पावर बनेगा या नहीं मैं एक एक आदमी की हैप्पीनेस चाहता हूं क्योंकि गांधी भी वही चाहते थे तो मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा हम सुपर पावर क्यों बनना चाहते हैं नहीं मतलब मतलब क्यों, क्यों? बनना चाहते हैं उससे क्या करेंगे हम और देशों को आ, आ, मारेंगे और और यू नो इंसल्ट करेंगे नहीं। नहीं, सिर्फ मिलिट्री माइट की बात नहीं इकोनॉमिक माइट हाँ, की भी बात है हाँ, तो इकोनॉमिक माइट किस लिए चा, चाहते हैं हम सुपरवार किस लिए चाहते हम सुपवार बनने के लिए क्यों आशा करते हैं वाई वी सो इंटरेस्टेड बिकॉज यू वॉन्ट एवरी इंडियन टू बी डेवलप्ड एवरी इंडियन टू बी रिच एवरी इंडियन टू हैव ए पोटेंशियल टू ग्रो नहीं हम इसलिए सुपरपार बनना चाहते हैं क्योंकि हम हर भारतवासी को खुशी बनाना चाहते हैं हा? खुश बनाना चाहते हैं सॉरी शब्दों के चालमेल में नहीं फंसना चाहिए इसमें तो हम उस हिसाब से सही बात पर नहीं है अभी तो मैं ये कह रहा हूं मैं, मैंने यही कहा कि मैं आप सुपर पावर सुपर पावर के बारे में बात कर रहे हैं सुपर पावर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हर इंडियन को खुश बनाना चाहते हैं दैट शुड बी द एम ऑफ सुपर पावर नॉट टू इम्पोज योर विल ऑन अदर कंट्रीज़ जब लोग सुपर पावर के बारे में बात करते हैं कभी कभी वो चीन के बारे में बात करते हैं यूएस के बारे में दे इम्पोजिंग द विल ऑन अदर्स वी वॉन्ट टू डू दैट दैट इज नॉट दैट शुड नॉट बी योर एम Your aim should be we should be a developed country. We should have every Indian happy. I have in that Rashtrapita Mahatma Gandhi, kaha. Main usko echo kar Gandhi said, What is the aim of development? It is to make every Indian happy. And I was just echoing Gandhi. I think Gandhi has showed the way for us. If we do that, and if we are a superpower, fine. As a superpower, I think we can have a different frame of how we treat other countries. We should not aim to be a superpower to be a bully like some of the existing superpowers. We should be a superpower to make possible a cooperative world which deals with all the problems that we have climate change, um, aging populations, poor countries. वी शुड हेल्प दर्ल्ड ग्रो राबल ऑन दिस कंट्री और दैट कंट्री हम हम अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं क्या मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं आपसे क्योंकि जी ट्वेंटी के अभी हम अध्यक्ष रहे हमें कहा गया कि हम uh, जो साउथ ग्रेटर साउथ है उसमें हम यू you नो know, हम अफ्रीका को लेकर के अफ्रीकन यूनियन को हमने शामिल कराया हम इम्पोज uh, नहीं कर रहे हैं हम एकोमोडेट सबको लेकर साथ लेकर के चल रहे हैं अभी की जो पॉलिसीज हैं सिंस ये फॉरेन पॉलिसी भी इसमें आ गई इस पर आपका क्या टेक है फैंटास्टिक फैंटास्टिक ज्यादा करना चाहिए हमें ये जो हमारे नेबर्स हैं हमारे नेबर्स हैं बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका वी शुड स्ट्रेंथन एशियन वी शुड हैव अ रीजनल नेटवर्क एंड यू नो वी शुड ग्रो दैट नेटवर्क क्योंकि रीजनलिज्म आजकल uh, दुनिया में फैल रही है सो वी शुड सर्टनली डू दैट वी शुड मेक स्ट्रॉगर टाइज विद द मिडल ईस्ट जो ये जो अनाउंस हुआ था मिडल ईस्ट यूरोप यस ईस्ट एशिया वी शुड मेक बिगर टाइज विद दिस तो वी आर ऑल फॉर वॉट हैपन इन द जी ट्वेंटी दिस थिंग लेकिन ये जो कभी कभी <coughs> लोग कहते हैं कि हमें सुपर पावर बनना चाहिए बिकॉज वी वॉन्ट बी द टाइगर वॉरियर्स

सर अभी दो दिन पहले आर की एम थी और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बात हो हो सकता है रेट कट हो तो कब तक हम उम्मीद करें क्योंकि सबसे इस समय होम लोन की दरें बहुत ज़्यादा हैं तो जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज़्यादा मतलब यही परेशानी झेलता है कि उसकी ईम का वो बोझ कम हो तो कब तक उम्मीद की जाए देखिए मैं आर बी आई छोड़ के ये तय किया कि मैं कभी आर बी आई के पॉलिसीज के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि लोग समझते हैं कि मैं ज़्यादा जानता हूँ आर के बारे में नहीं मैं जानता नहीं हूँ कि ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या सोच रही है और उनका निर्णय डिसीजन मेकिंग वगैरह में इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ तो मैं कभी पब्लिक में उनके पॉलिसीज़ के बारे में बात नहीं करता हूँ अच्छी कमेटी है वो सोचेगी और यू नो नहीं लेकिन अभी जो जो अभी यूएस फेड ने भी, भी संकेत दिया कि घटेंगे दरें तो क्या माना जाए कि अब घटने का दौर शुरू होने वाला है ओवरऑल आप बता अच्छा मैं यूएस के बारे में बात कर सकता हूँ जी जी वो कम नहीं करेंगे ब्याज दर को अच्छा जल्दी कम नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर कम करेंगे और ये जो यूएस इकोनॉमी की गति बढ़ेगी तो उनको फिर से बढ़ाना पड़ेगा और कम करके बढ़ा के कम करके बढ़ा के वो आ, उनका रेपुटेशन तो ख़त्म हो जाएगा फेडरल रिजर्व का इसलिए वो सोच रहे हैं कि हम रहेंगे इस इस ब्याज दर पे अगर महंगाई की गति बढ़ेगी तो हम बढ़ा बढ़ाएंगे लेकिन जब तक आ, आ, उत्पादन की गति कम ना हो हम कम नहीं करेंगे

पक्ष में हूं आ, क्योंकि हमने पहले जो बात किया था टारगेटेड ट्रांसफर्स ये जो सरक, जिनके पास सरकारी नौकरी है वो काफी मिडिल क्लास या उच्च मिडिल क्लास में हैं लोग उनके लिए एक बड़ा ट्रांसफर करना मेरे ख्याल में अभी उचित नहीं है दे आर नॉट द मोस्ट नीडी इन द इकॉनमी अगर Uh, सरकार के रिसोर्स कम हैं तो उनको प्रायोरिटाइज़ करना है किन को देना है और मेरे ख्याल में गरीब लोग को पहले देना है सरकारी ऑफिशल्स को वो थोड़ा लाइन में पीछे हैं हाँ uh, सर मेरा एक सवाल ये है कि अभी आपने मनरेगा पे जो कहा तो उसको देखने का एक और पर्सपेक्टिव है मनरेगा को कि हमारे देश का गरीब इतना गरीब है कि हम इस मजबूरी में आते हैं कि उसको न्यूनतम काम दिया जाए उसको मिनिमम काम दिया जाए तो मनरेगा देखने का एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि इतनी अच्छी योजना नहीं है कि हम इसके लिए अपनी छाती पीटें कि हम एक गरीब को साल भर में इतने दिनों का काम दे रहे हैं बाकी वो दिनों को क्या कर रहा है हमारे पास इसकी कोई योजना नहीं है तो मनरेगा से इतर गाँवों में क्या किया जा सकता है नंबर एक सवाल नंबर दो चूँकि राहुल गांधी ने दो में ये कहा था कि राजस्थान में उन्होंने जो मिनिमम इनकम स्कीम लॉन्च की थी उसके लिए उन्होंने आपसे बात की थी तो वो भी लगभग लगभग मनरेगा का ही एक रूप है एक एक्सटेंशन है तो क्या आप इसको बार बार बोस्ट करेंगे कि मनरेगा या उसमें कुछ चेंजेस किए जाने जरूरत है कि या गाँवों में और उन इलाकों में रूरल इकॉनमी में थोड़ा और अलग तरीके से पुश दिए जाने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे जो लगता है मनरेगा एक फुल प्रूफ स्कीम नहीं है एक काम चलाओ स्कीम है कि ठीक है मिनिमम काम तो मिलता रहे प्लीज़ सर हाँ आई थिंक मनरेगा को इसी तरीके से देखना चाहिए कि वो मिनिमम लेवल है वो आपने क्या कहा काम चलाव स्कीम वैसे ही वो काम चलाव स्कीम नहीं है लेकिन एक मिनिमम लेवल ऑफ सपोर्ट देती है लेकिन आप जो पूछ रहे हैं कि गांव में एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी वो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि रोजगारी गांव में कहाँ से आएगी कैसे बनाएंगे तो उसके बारे में हम किताब में लिखते हैं ना कि दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू जैसे कि हम कहते रहते हैं कि रूरल इंडस्ट्री होना चाहिए तो ये हम हमारा एग्रीकल्चरल उत्पादन तो बढ़ रही है काफ़ी बढ़ रही है हम आ, इतना ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करते हैं तो उससे कुछ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं क्या है आ, ये जो हॉर्टिकल्चर है हॉर्टिकल्चर बढ़ रही है उससे क्या हम फ्लावर्स एक्सपोर्ट uh, कर सकते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हाउ डू वी प्रोसेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड मेक एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री क्रिएट मच मोर एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में लेकिन रूरल एरियाज़ में ये हमें भी देखना है कि ये जो सर्विसेज एट अ डिस्टेंस जो हम कर रहे हैं क्या हम वहाँ से कर सकते हैं तो उसके लिए इंटरनेट रूरल एरियाज़ तक पहुँचना चाहिए और शिक्षा भी पहुँचना चाहिए अच्छी तरह की शिक्षा तो इफ़ वी कैन डू दैट रूरल एरियाज़ कैन बी ऑल्सो बी प्लेस वे पीपल बी कैन बी एम्प्लॉयड इन हाई वैल्यूड जॉब्स नॉट जस्ट इन एग्रीकल्चर बट इन सर्विसेज़ तो आई थिंक टेक्नोलॉजी के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन शुरुआत तो करना चाहिए मनरेगा ना दो आई थिंक वो इतना सक्सेसफुल ब्रॉडली स्पीकिंग इसलिए भी रहा है वो है एक एक नॉर्मल सा स्कीम है दो पॉइंट है एक है डिग्निटी और दूसरा है टारगेटिंग ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्निटी इन द सेंस कि देर इज़ सम डिग्निटी अटैच कि मैं आपको कुछ ट्रांसफ़र दे रहा हूँ उसके अलाब के लिए थोड़ा बहुत आप काम कर रहे हैं ये एक जॉन्द्रेस ने भी बात किया है इस बारे में कि ये एक एक्चुअली एक मेजरेबल uh, uh, नहीं है आप जाके मेजर नहीं कर सकते फील्ड में कि, कि किसी को डिग्निटी मिल रही है कुछ काम करने से और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट कि जब भी आपको इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं टारगेटिंग एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है कि इसको मिलना चाहिए इसको नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो फिज़िकल वर्क है तो वो टारगेटिंग उस पर उस पर इनबिल्ट है कि आप तभी जाएंगे वो करने जब आपके पास वही एक यू नो you know, एक एक उपाय है, एक है उस 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 इनकम को लेने का वो उसमें हमें ऐसा लगता है कि उसकी वजह से वो ब्रॉडली उसकी लॉन्जेविटी भी रही है लोगों ने आके आलोचना की है कुछ भी किया लेकिन इट हैज़ स्टेड बिकॉज इट हैज़ इज इन फीचर कि बेसिक इनकम लोगों को किसी तरह डिलीवर करी जा सकती है बट आर राइट कि ऐसा कोई छाते कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं है हमें उससे वी शुड थिंक मच बिगर कि हम कहाँ जाना चाहते हैं क्या नौकरियाँ जनरेट करना चाहते हैं थोड़ा सीरियस क्वेश्चन है सर आ, नोट पर साइन करके कैसा लगता है <laughs> जब आप अपना नोट अपना साइन किया हुआ नोट आप मार्केट में लेके जाते आ, है, वो नो, नो, हैं तो... नोटबंदी के साथ काफी चले गए <laughs> <laughs> कमी नोट है मैं ऑफ़िस में जो पहले दिन आप आते हैं तो वो एक बड़ा सा वो जो फोल्डर ले आते हैं फिर कहते हैं कि केयरफुली साइन करो और फिर वो छप जाता है थोड़ी देर के लिए खुशी की बात है उसके बाद ठीक है मैंने एक बार जब मैं कहीं जा रहा था तो एक आदमी से मिला तो वो आइडेंटिटी मांगा मेरे पास कार्ड नहीं था पॉकेट में तो मैंने नोट निकाला और कहा कि ये मेरा सिग्नेचर है <laughs> तो एक ही एक ही जगह काम में आया लेकिन आ, उसके बाद <laughs> नहीं आ, मेरे आपसे एक एक आ, सवाल है रोहित जी आ, इस वक्त जो है दुनिया में बुढ़ापा और जनसंख्या ये सब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है चाहे आप चाइना को देख लें जापान का तो हमें पता ही है इटली को देख लें साउथ कोरिया की स्टडी आती है कि कैसे उन्होंने इससे पार पाया है इंडिया को एडवांटेज है लेकिन वो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म एडवांटेज नहीं है पाँच सात साल बाद शायद या दस साल बाद हमारी एवरेज एज अगर मुझे याद है तो थर्टी एट हो जाएगी और आ, सर ने कहा था कि रघुराम सर ने बोला था कि अभी हमारी जो जनसंख्या है वो डिविडेंट जो है जो हमारा उसमें सबसे बड़ा फायदा ये कि हम बिलियन हैं लेकिन एजुकेटेड नहीं है दस साल में जब तक हम उनको एजुकेट करेंगे वो करेंगे तो इसको कैसे देखते हैं सर ये एक कैश ट्वेंटी वन जैसी स्थिति नहीं लगती है नहीं ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है ये हम इस यू नो दो दो तरीके से सोचते हैं एक तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जैसे कि आप कह रहे हैं कि नॉट जस्ट कि हम लोग यंग हैं दुनिया बूढ़ी हो रही है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ठीक है जैसे कि आप देखें कि हमारे यहाँ से नर्सेज दुनिया में चारों तरफ जा रही है मेरी माँ जर्मन पढ़ाती हैं जर्मनी में इतनी सारी नर्सेज जा रही हैं इंडिया से ही जा रहे हैं बिकॉज वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रही है जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन एज हो रही है इंडिया के बाद अफ्रीका का नंबर आएगा इट इज़ प्रोजेक्टेड दैट इज़ इंडिया गेट्स ओल्ड अफ्रीका विल स्टार्ट गेटिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो हमारा डिविडेंड जो हमारी जो हमारा बल है ये लोग जो हैं ये हम एक लाइन यूज़ करते हैं बुक में कैन इंडिया बिकम रिच बिफोर इट बिकम्स ओल्ड और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये ना इसको हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए बिकॉज दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड ये डेमोग्राफिक नाइट ना बन जाए कि अगर हम लोग वेल well ट्रेन नहीं हैं अगर हम स्वस्थ नहीं हैं पैंतीस परसेंट लास्ट जो एन का डेटा है पैंतीस बच्चे अभी भी मेल न्यूट्रिशन है ये जब लेबर फोर्स में एंटर करेंगे तो ये किस प्रकार के सिटीजन्स बनेंगे बोथ इन टर्म्स ऑफ यू नो देर मॉरल सिटीजन्ज वर्क फोर्स तो ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये एक हम यू you नो know, हमें इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही व्यू करना चाहिए लेकिन इस मामले में हमें बिल्कुल भी यू नो यू नो रिलैक्स नहीं करना चाहिए कि ये जो एक uh, uh, एक तो लेबर फोर्स के लेवल पे दूसरा जो है एक जो सोशल अनरेस्ट के लेवल पे भी हमें इसे बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि इफ़ यू हैव अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन दैट इज़ नॉट वेल ट्रेंड और उसके एसपिरीशन बहुत ज़्यादा है हुआ क्या है कि इंटरनेट वज वैस की वजह से एस्परेशंस अब सब नीचे तक पहुँच गए हैं सबको पता है एक्सेस है लेकिन अगर आप एक ऐसी लेबर फोर्स तैयार करेंगे जो स्किल नहीं है और उसकी लेकिन उसके एस्परेशन बहुत ज़्यादा हैं तो वो भी बहुत डेंजरस है आ, कि आप उसको मैनेज कैसे करेंगे ये आप जो और इसके थोड़े थोड़े उदाहरण आते रहते हैं जैसे अगर आपने दो साल पहले आप लोगों ने रिपोर्ट किया था कि जब रेलवे एग्जाम में घोटाला हुआ था या अग्निवीर को लेके जब जब प्रोटेस्ट हुए थे यू आर ऑलरेडी सीइंग एग्जांपल्स ऑफ दिस कि अ यूथ व्हिच इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब्स दैट दे आर गेटिंग और ये ये बढ़ता जाएगा राइट अभी हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी रियलाइज नहीं हुआ है आई थिंक अभी कम से कम बीस तीस साल हमारे पास हैं लेकिन अगर उस बीस तीस साल में हम जो हम किताब में बोलना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाए तो ये बहुत ही गंभीर विषय है रघुराम सर आ, जैसे अगर हम आ, आपने कहा था कि जैसे हमारा हम एस सी की बात करते हैं इन्फोसिस की बात करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करते हैं सर ये जो है ये सारे बी टू बी ज़्यादा दिखते हैं वहीं पे यू में जो आपको दिखता है बी टू सी दिखता है सर देख के अच्छा लगता है इन इन कंपनीज़ के बारे में कोई कोई फेसबुक जैसा कोई दिखे कोई इंस्टाग्राम जैसा दिखे एप्पल जैसा एप्पल सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर कह सकते हैं तो ये ये जो ये कॉन्ट्रास्ट है ये क्यों है और दूसरा इसी के साथ आप जोड़ क्योंकि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स मैं थोड़ा बहुत आपने कहा था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ तो आप अपना पोर्टफोलियो में क्या क्या है आपके? ये इसके साथ है। <laughs> तो आ, मैं ये जो किताब में काफ़ी सारे उदाहरण हैं मिसाल हैं और एक मैं आपको देना चाहता हूँ कि ए, एक थे पी मुस्तफ़ा एक हैं पी मुस्तफ़ा वो एक लेबर के बच्चे थे और आ, आ, वो जो मजदूर थे खेती पे वो अदरक संभाल के वो गाड़ी पे डालते थे और ये मुस्तफ़ा जब बच्चे थे छठवीं क्लास में फेल हो गए और उन्होंने सोचा क्या अब स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है वो अपने पिताजी के साथ काम करते थे खेत खेती पे और उसके बाद प्रोफेसर आए वो स्कूल से और उन्होंने कहा मुस्तफा आप ये काम क्यों कर रहे हैं उसने कहा कि मैं फ़ेल हो गया तो प्रोफेसर ने कहा नहीं वापस आ जाओ फिर से कोशिश करो आ, कुछ तो होगा आ, तो वो वापस गए स्कूल और पहले तो बच्चे मजाक उड़ाते थे कि आपने आ, आप फेल हो गए आप हमारे साथ अब पढ़ रहे हैं लेकिन वो प्रोफेसर के पास पास गए प्रोफेसर ने, ने क्या एक एक सब्जेक्ट चुनो और उसमें आप कोशिश करो कि यू टॉप द क्लास एंड ही टॉप द क्लास मैथमेटिक्स में टॉपर बन गए फिर उसके बाद स्कूल में टॉपर बन गए फिर एन में जा के कंप्यूटर साइंस की डिग्री उन्होंने किया उसके बाद वो नौकरी करके वापस आए इंडिया मिडल ईस्ट में नौकरी करके वापस आए इंडिया और एक फैक्ट्री और कारखाना उन्होंने शुरू किया आई डी फ्रेश जहाँ पर एक सिंपल सा चीज़ उन्होंने बनाया आ, इडली बैटर जो इडली माव तमिल में कहते हैं वो इडली बनाने के लिए जो आ, जो चीज़ें आ, आ, मिक्स करके एक पैकेट में डाल के उसको सील करके ताज़ा स्व, स्वच्छ इंग्रेडिएंट्स के साथ उन्होंने बेचना शुरू किया और आज हज़ारों तो लोगों को एम्प्लॉय करते हैं करोड़पति बन गए ये एक एग्ज़ाम्पल है ये बी टू सी बिजनेस टू कंज्यूमर कैसे शुरू कर सकते हैं सिंपल प्रोडक्ट्स के साथ किताब में हम कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में भी लिखते हैं जैसे अग्निकूल एक रॉकेट मैन्युफैक्चरर जो आ, यू एस ए आया उन्होंने सोचा है कि हाँ ठीक है मैं फाइनेंस नहीं आ, करना चाहता हूँ मैं रॉकेट बनाना चाहता हूँ जैसे इलॉन मस्क और वे आई आई टी चेन्नई में उन्होंने एक छोटा सा फैक्ट्री शुरू किया आई आई टी चेन्नई रिसर्च पार्क में जहाँ पे थ्री डी प्रिंटेड रॉकेट्स बना रहे हैं आ, बीस तीस फुट के रॉकेट्स जो आ, जिन पे इंडियन सैटेलाइट्स चलेंगे आ, 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 आउटर स्पेस में तो काफ़ी सारे उपाय हैं काफ़ी सारे ऑपरचुनिटीज़ हैं इंडिया में और काफ़ी सारे ऑन्ट्रप्रनर्स हैं हम ये कह रहे हैं कि इनको बढ़ाना है हज़ारों मुस्तफ़ा चाहिए हमें एक मुस्तफ़ा नहीं है, चाहिए आ, हम वो कैसे कर सकते हैं वो हम किताब में ले इसमें एक यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री में जो एक इंटरफेस होता है ये बहुत ज़रूरी है अगर आप देखें जो आपने जो भी उदाहरण दिया आप ए, ए, गूगल को देखें गूगल जो था एक यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था ठीक है अगर आप फेसबुक देखें तभी मार्क जकबर्ग के पास यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर था तो इंडिया में ये बहुत हम बार बार हमने एम्पसाइज़ किया है किताब के अंदर ये कि यूनिवर्सिटी में प्राइमरी रिसर्च जिसे बोलते हैं इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा चाहिए और फिर इस प्राइमरी रिसर्च को कमर्शियलाइज़ कैसे जगह जो आप बोले प्रोडक्ट्स राइट प्रोडक्ट कैसे बनते हैं पहले एक आइडिया होता है और उसके बाद फिर एक मार्केट फोर्सेज होती हैं जो उसको लोगों तक पहुँचाती हैं ये दोनों का जो इंटरेक्शन है ये लैकिंग है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम किताब में बार बार एम्परसाइज़ कर रहे हैं और मेरे पोर्टफोलियो में क्या है आ, मैं तो बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ ज़्यादातर पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड्स हैं और आ, 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 क्या कहते हैं मनी मार्केट फंड्स हैं इंडेक्स फंड या इंडिया के थे? इंडिया के भी स्टॉक्स हैं लेकिन ज़्यादातर जब मैं आर गवर्नर बना मैंने सोचा कि कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट के कारण मुझे इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए उसके बाद वापस जब मैं मैं निकला पोजीशन से मैंने शुरू किया इंडिया में वापस इन्वेस्ट करना टिपिकली फंड्स स्पेसिफिक कंपनीज़ एक दो हैं इंडिया के स्पेसिफिक कंपनीज़ लेकिन ज़्यादातर इंडेक्स फंड्स हैं सर मेरा सवाल अर्थशास्त्र से जुड़ा नहीं है आपके पिताजी से है मिस्टर गोविंद राजन भीवसवरण दी औरजनल काओ बॉयॉय जिनके साथ में एजेंसी आर एंड काओ ने शुरू की तो और बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था श्रीलंका में इलेक्शंस हुए जब आ, आपके पिताजी की वहाँ पोस्टिंग थी उसके बाद मुक्ति वाहिनी का काम उसी टाइम पे शुरू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रॉ ने कर दिया था मैं जानना चाहता हूँ कि आर एन काओ के साथ जो आपके पिताजी के अनुभव थे क्या उनके बारे में उन्होंने कभी बताया क्योंकि मिस्टर काओ वॉज अ वेरी प्राइवेट इंडिविजुअल उनके बारे में बहुत छन छन के जानकारी मिलती है और उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिस्टर काओ के साथ करने वाले बहुत कम लोग हुए हैं नहीं उन्होंने मिस्टर काओ के साथ काम किया ही वॉज़ वन ऑफ दी ओरिजिनल काओ बॉयज़ लेकिन पिताजी बात नहीं करते हैं उनके काम के बारे में हमने बहुत कोशिश किया कि आपने क्या किया कौन से ऑपरेशंस थे कभी बात नहीं करते हैं बस हमें ये मालूम है कि जब कॉल आता था घर में और हम उठाते थे स्पीकिंग वो गंभीर सा वॉइस आता था आर एन काओ कभी काव नहीं कहते थे मिस्टर काओ कभी नहीं आर एंड काओ फिर हम दौड़ के पिताजी के पास जाते थे सर सर पिताजी वो काओ साहब फ़ोन पे आए तो बस वही कनेक्शन है मिस्टर काओ के साथ सर और एक स्पाई मास्टर का अपने बेटे को कोई ऐसा दिया सबक जो आपकी लाइफ में अभी भी काम आता है नहीं वो, वो, कभी स्पाई मास्टर के, आ, के नाते पे, आ, में उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया बस पिताजी के आ, होते हुए आई थिंक एग्जाम्पल दिया कि इंटेग्रिटी डिसिप्लिन ओ oh, कितना काम करते थे यू नो स्पेशली जब दिल्ली में थे और uh, uh, उस वक़्त यू नो ये जो uh, uh, नारायण मूर्ति जी कहते हैं सेवेंटी आर वीक वो तो हंड्रेड आर वीक काम करते थे तब हम कभी <coughs> देखते नहीं थे सारा बर्डन uh, माँ पे थी uh, लेकिन यू uh, नो you know, uh, एक अच्छा सा टाइम था हम मोती बाग में रहते थे सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बच्चे के साथ का खे, खेलते थे हॉकी खेलते थे गली क्रिकेट खेलते थे तो बहुत ही अच्छा चाइल्डहुड था नोटबंदी के टाइम आपके पास कितना कैश था और क्या आपको भी चेंज कराने में दिक्कत आई थी नहीं मैं इंडिया में नहीं था आ, मेरे पास कई नोट थे आ, शायद दो तीन हज़ार क्योंकि वो आ, आ, जब एयरपोर्ट में आते हैं तो थोड़ा तो होना चाहिए और आ, मैं जब आ, आया तो मैंने पूछा मेरे, मेरे आरबीआई के ऑफिसर्स ओफ, को कि इसको बदलना है तो मेरे पास उपाय थे टू डू इट सिंपली लेकिन काफ़ी <coughs> लोग उनको लाइन में खड़ा होना पड़ा और दे हैड अ मच हार्डर टाइम आई डोंट थिंक इट वाज अ गुड प्रोसेस तो कृष्णा पटेल ने ये पूछा है कि जिस तरह से अभी निजीकरण किया जा रहा है या किया जा रहा है इंडिया की इकोनमी को आपको लगता है कि क्या वो मजबूती देगा या आर्थिक विषमता को बढ़ाएगा यानी इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी को बढ़ाएगा आ, ए, क्या ये पब्लिक सेक्टर से के बारे में इन्होंने बोला है कि जो भी प्राइवेट इन्होंने स्पेसिफिक नहीं क्वेश्चन में किया है बट इन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन पर जो जोर है लेकिन आई थिंक वो प्रोसेस तो धीमी हो गई ना आई डोंट थिंक कि दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉलिसी ऑफ़ द गवर्नमेंट कि डिस इन्वेस्टमेंट करें मेरे ख्याल में डिसइन्वेस्टमेंट तो एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए देखना चाहिए एक आध पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को डिसइन्वेस्टमेंट करके उनका परफॉर्मेंस बढ़ता है क्या क्या उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है क्या जो यूके एक्सपीरियंस तो, है वो ये है कि डिस इन्वेस्टमेंट के बाद उन फैक्ट्रीज़ की उत्पादन की गति बढ़ गई थी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ी वहाँ पे और सैलरीज भी बढ़े तो मेरे ख्याल में ये जो पब्लिक परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ये है कि डिस इन्वेस्टमेंट के बाद सारे एम्प्लॉयज़ को फायर करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो हमें लोगों को रिशोर करना है एकात आध उदाहरण लेके कि चलो यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट बन के थोड़ा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे इस इस इस, इस बिजनेस को तो वो चुन के थोड़ा इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करके आ, अगर पब्लिक मूड बदल बदलें आ, वीजा वी आ, देन वी शुड टेक इट अप ठीक है बहुत शुक्रिया आप दोनों से बात करके बहुत आनंद आया बहुत मजा आया रघुराम जी और रोहित जी आपने समय दिया थैंक यू सो मच मेरा नाम कुलदीप है गेस्ट इन द न्यूज़ रूम का ये एपिसोड आपको कैसा लगा किसी भी बात से सहमति या असहमति हो तो जो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स होता है उसमें लिख दीजिए अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी शुक्रिया